बहुत बहुत स्वागत है हमारे आत्मनिर्भर वेस्टीज प्लान के अंदर। और मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स एंड विल टेक, एंड यस हियर इट इज। सो दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। लगभग 12 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की है, एप्पल, वोडाफोन एंड हुआवे के अंदर। और वहाँ पे इन तीन जायंट मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने के बाद लगभग पिछले 1.5 साल से मैं वेस्टीज बिजनेस के अंदर सीख रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं सीख रहा हूँ, बहुत खुशी से और बहुत गर्व के साथ मैं अपनी टीम के साथ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आज आप देख रहे हैं जो वेस्टीज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन हम लोग बेसिकली दो पार्ट में करेंगे, जिसमें मैं पहले पार्ट में आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि कैसे ये अवसर हम सब की ज़िंदगी को 360 डिग्री बदलने की क्षमता रखता है। दूसरे सेशन में हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर होंगे और आज के गेस्ट स्पीकर बहुत ही खास हैं दोस्तों, मेरे फेवरेट हैं, हम सब के लिए बहुत खास हैं। क्यों? क्योंकि उनका नाम है सैयद इरशाद सर। आज से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने लगभग 7-8 साल पहले एक डिसीजन लिया वेस्टीज बिजनेस में आने का, लगभग 8 साल या 10 साल पहले अप्रॉक्स। और चूंकि वो ब्लाइंड हैं और ब्लाइंड होते हुए उन्होंने इतिहास रचा, आज वेस्टीज के अंदर वो क्राउन डायरेक्टर हैं, बहुत सफल है, तो हमें आज उनको सुनने को और उनको देखने का मौका मिलेगा। आपका एक विश्वास बनेगा, क्योंकि मैंने भी इस बिजनेस में, सच बताऊं तो उनको सुनने के बाद ही निर्णय लिया था कि मैं इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा एज ए करियर। मैं इसके पहले भी बहुत सफल था इस बिजनेस में, जब मैं आया तो मैंने एक निर्णय लिया, और उस निर्णय किस लिए लिया, इरशाद सर को देख कर लिया। और आज हम सब बहुत लकी हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट टुडे वी हैव, हमारे बीच में ये लेजेंड खुद हैं और वो हमें बताएंगे इस बिजनेस में सफलता उन्होंने कैसे पाई, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे, साथ ही साथ इस बिजनेस को करके आज उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, एंड आज बहुत सारी चीज़ें वो हमें सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो एंड मोमेंट तक कहीं भी मत हिलिएगा गलती से भी, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप आज की वी ओ पी मिस करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे, आई एम श्योर। सो यहाँ पे चलिए क्विकली वी विल स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पे एक बार बस कंफर्म करना चाहूंगा, रंजीत सर, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली एंड मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके अलका जी, थैंक यू सो मच। वेस्टीज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वेस्टीज का मतलब होता है फुटप्रिंट, पच्चिन, ये एक लैटिन वर्ड है, और अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी में, इसको बोलते हैं पच्चिन और फुटप्रिंट। हम सभी जानते हैं कि पच्चिन का मतलब क्या है, वेस्टीज का, वेस्टीज में इस चीज को हम कहते हैं एक तरह से, हमारा कोट है, आप कह सकते हैं कि पच्चिनों को सिर्फ फॉलो करते जाना है। यहाँ पे आज हजारों लाखों लोग बहुत सफल हैं, और हमें क्या करना है, सिर्फ उन पच्चिनों को फॉलो करना है, हमें वी जस्ट हैव टू डुप्लीकेट उन फुटस्टेप्स को, एंड डेफिनेटली वी विल सक्सीड। तो यहाँ पे एक ही मंत्र है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहली स्लाइड है, हैप्पी वॉरियर्स, हमारा जो कोट है, सक्सेस बिगिंस हियर। हैप्पी वॉरियर हमारी टीम का नाम है, एजुकेशन सिस्टम का नाम है, और ये बेसिकली क्रिएट करी गई है तीन जबरदस्त लीडर्स के द्वारा, जिनका नाम है जेके गुप्ता सर, जो कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है हमारे वेस्टीज बिजनेस के अंदर, दिवाकर देव मिश्रा सर, जो कि डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, और रमेश नारायण सर, जो कि डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। तो इन तीन लोगों ने इस हैप्पी वॉरियर सिस्टम को क्रिएट किया, जिसके द्वारा आज लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। वेस्टीज के अंतर्गत हम साथ ही साथ हैप्पी वॉरियर के साथ मिलकर ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में हासिल कर पा रहे हैं, जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, समय की आज़ादी, पैसे की आज़ादी, परिवार की सुरक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य, और दूसरों की मदद करके उनको आगे बढ़ाने का मौका। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और आज हजारों लाखों लोग ये हासिल कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्विकली हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली जो स्लाइड है, उसमें आपको नजर आ रहा होगा प्रगतिशील परिवर्तन के अंदर एक बेसिकली चेंज जो होता है, दुनिया में जो परिवर्तन है वो सबसे बड़ा नियम है। लोग इस चीज को माने तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो उनको कभी ना कभी समय के साथ बदलना पड़ता है। एक कहावत है ना दोस्तों, या तो समय के साथ बदल जाओ, अदरवाइज जब समय आपको बदलेगा तो बहुत तकलीफ होने वाली है। सो इट्स बेटर कि हम अपने आप को चेंज कर ले समय के रहते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा कार्टून दिखाया जा रहा है, उस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है कि एक गाड़ी है जिसको धकेला जा रहा है, उस गाड़ी में चौकोर पहिए लगे हुए हैं, और चौकोर पहियों वाली गाड़ी, बट ऑब्वियस है बहुत डिफिकल्ट होता है उसको खींचना। और यहाँ पे आप एक इमेजिन कर सकते हैं छोटी सी बात, कि जो व्यक्ति आगे खींच रहा है वो हस्बैंड है, पीछे जो वाइफ धक्का दे रही है, और बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है उनका। ये एक तरह से मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी है आप कह सकते हैं,
और मिडिल क्लास अगर मैं बात करूं तो मिडिल क्लास मैं हमेशा बोलता हूं मिडिल क्लास गरीब। अब बहुत सारे हमारे जो भाई हैं जो आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उनको थोड़ा सा धक्का लगेगा। मिडिल क्लास और गरीब, जी हाँ दोस्तों, इमेजिन करके देखो, अभी कोरोना COVID-19 पैंडेमिक आया, 4-5 महीने के लिए सैलरी अगर कट के आ रही है, डिडक्ट होके आ रही है, या सैलरी नहीं आ रही है, सो हाउ यू फील एक्चुअली गरीब, दिस इज द रियलिटी। बट हम जब तक सारी चीजें नॉर्मल चलती रहती हैं हमें फील नहीं होता। सो यहाँ पे एक बैक में उनके पीछे एक साइड में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति आता है जो उनको कहता है भाई साहब ये गोल पहिए लगा लीजिए आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। बट वो क्या कह रहे हैं, नो थैंक्स वी आर टू बिजी। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मना कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि बिना देखे बिना सोचे बिना समझे मना कर रहे हैं। ऐसे ही कई बार होता है। एक मैं स्टोरी है छोटी सी, आई विल टेक कपल ऑफ मिनट्स, मैं हमेशा वो स्टोरी जरूर सुनाता हूँ। एक बार बिल गेट्स, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के हम सभी जानते हैं फाउंडर हैं और सबसे अमीर लोगों में से हैं दुनिया के, बिल गेट्स जी एक बार इंटरव्यू में गए थे, और इंटरव्यू में जब वो गए तो वहाँ जो इंटरव्यूअर लेडी थी उन्होंने उनसे पूछा कि सर पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आप इतने अमीर कैसे बने, हाउ यू बिकम रिच। सो उन्होंने बड़ी सिंपल सी मुस्कुराहट से उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाला और उस पर ब्लैंक चेक था और उनके सामने रख दिया, लेडी के सामने, और उनसे कहा कि मैडम आप इसमें जो भी अमाउंट भरना चाहती हैं वो भर लीजिए। सो जो इंटरव्यूअर थी वो हंसने लगी, वो कहने लगी कि सर कैसी बातें कर रही हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, नहीं मैम, आप इसको फिल कर लीजिए, वॉट एवर अमाउंट यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन, जस्ट प्लीज राइट इट डाउन एंड इट विल बी द होल अमाउंट बिलोंग्स टू यू। सो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप भी मजाक छोड़िए और इसको आप प्लीज अपने पॉकेट में वापस से रखिए, और जो मैं सवाल कर रही हूँ आप उस पर फोकस करिए जो जनता जानना चाहती है। तो बिल गेट्स जी ने मुस्कुरा के कहा कि मैम यही मेरा आंसर है, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, एक अवसर आया और आपने उसको मजाक समझ के छोड़ दिया, मैं कभी भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं हूँ, बस यही एक अंतर। तो वहां पे उन्होंने बताया कि अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी जाती। तो ऐसे ही कई बार होता है, हम लोगों के सामने भी अपॉर्चुनिटी होती है बट हमें वो अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है। सो अगर उसमें से जो लोग समझ जाते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी वाकई ये अवसर है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, तो वो इस अवसर को अपॉर्चुनिटी को क्रैप करते हैं और उसमें लग जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि अगले ठीक एक घंटे के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज इस चीज को समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो मोहतरमा थी, जो लेडी थी, उन्होंने मिस किया, आप भी मिस कर दें। तो ये गलती मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नहीं करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 20वीं सदी। 20वीं सदी में क्या होता था, यानी 2000 के पहले क्या होता था, लोग सुरक्षा के लिए काम करते थे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते थे, फिर उसके बाद छोटी मोटी रोजगार पा जाते थे छोटा मोटा, और क्लर्क से भर्ती होते थे, बाबू पे रिटायर हो जाते थे, आप ऐसे समझिए। काम में कड़ी मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, कठिन जीवन जीते थे। हम सबके फादर, उनके फादर ने ऐसे ही जिंदगी बिताई है, यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी बिताई है, आई एम श्योर 99% ऑफ पीपल विल एडमिट दिस। इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो पूरी जिंदगी मेहनत करते थे, फिर रिटायर होते थे तो उनको एक फंड मिलता था जिससे वो अपना एक ड्रीम हाउस खरीदते थे, और एक्चुअली वो ड्रीम हाउस नहीं होता था, वो एक कंप्रोमाइज हाउस होता था, 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का मैक्सिमम, और उसको वो कहते थे ये मेरा ड्रीम हाउस है। उसी के साथ उनको जो फंड मिलता था उसी में थोड़ा बहुत पैसा बचा के वो बहुत ज्यादा खरीदते थे, तो एक ऑल्टो कार खरीदते थे और उसको कहते थे ये है मेरी ड्रीम कार। तो ऐसा होता था, यस, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को खुद फील किया होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। मैं भी एक वैसे मिडिल क्लास गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी उस चीज को महसूस करता हूँ। सो ऐसा अक्सर होता है, लोग हम लोग उस चीज को भले ही कितना इग्नोर करते रहे, बट दिस इज द क्रूअल रियलिटी ऑफ अवर यू नो सोसाइटी। तो यहाँ पे सामने अगर हम देखें तो 21वीं सदी में क्या हुआ, 21वीं सदी में पूरी सिनेरियो बदल गया, लोग यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे, समय की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे, परिवार के वित्तीय सुरक्षा के लिए काम करने लगे, स्वस्थ निरोग तथा खुशहाल जीवन जीने के लिए काम करने लगे। मतलब आप समझ सकते हैं, स्वस्थ निरोग तथा खुशहाल जीवन, हेल्थ और वेल्थ के लिए काम करने लगे, और ये बदलाव 21वीं सदी से आया, यानी 2000 के बाद से आया। आगे बढ़ते हैं प्रगतिशील परिवर्तन में, नंबर 2 स्लाइड, ये मेरी बहुत फेवरेट स्लाइड है, आप इसमें देख सकते हैं। एक और कार्टून है, कार्टूनों में बड़ा मजा आता है हमें, और यहाँ पे आप एक और कार्टून देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि सिंपल फिंगर की टिप से एक लोडेड जो ट्रॉली है उसको आराम से पुश कर रहा है, और पीछे उसी के बैक साइड में उससे दुगना हट्टा कट्टा व्यक्ति जो है उतना ही वेट लाद के बेचारा चल रहा है। तो अगर इफ आई लास्क यू वन क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, उस पे लिखा हुआ है सामने कि
पीछे वाला व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है. The guy who is back, he is doing hard work. And the guy who is in front, he is doing smart work. If I'll ask you a simple question, अगर मैं आपसे एक simple सा question पूछूं, smart work या hard work, which one you are going to choose? तो आप में से maximum 99.99% people will raise their hand and they will simply say, smart work, I will go with the smart work. But if I'll ask you again one question, आप कर क्या रहे हो, smart work या hard work? आप में से मैक्सिमम लोग बेचारे हाथ ऐसे नीचे कर लेंगे, बिकॉज रियलिटी इज समथिंग एल्स. मैक्सिमम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और स्मार्ट वर्क करने वाले लोग बहुत कम हैं. जैसे कि अभी नीचे आप देख सकते हैं, सर रॉबर्ट क्योसाकी जी, इनका एक फोटो बना हुआ है. रॉबर्ट क्योसाकी सर कौन है मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, दुनिया के सबसे दिग्गज फाइनेंशियल कंसल्टेंट में से एक हैं. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें सबसे फेमस बुक्स में से अगर मैं बात करूं, रिच डैड पुअर डैड एंड सवाल ही जवाब है. और ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके पार्टनर रह चुके हैं. जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं आज बता देता हूँ कि ये उनके पार्टनर रह चुके हैं. अब इन्होंने एक थ्योरी दी है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है दोस्तों. इन्होंने बोला कि पूरे दुनिया की जो इनकम है बेसिकली दो पार्ट में विभाजित है, दो तरह से विभाजित है, डिवाइडेड है. पहला पार्ट है ई और एस कैटेगरी. ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय एंड एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड. अब ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय में कौन कौन लोग आते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले या प्राइवेट जॉब वाले, राइट. और एस में सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जब हम नौकरी से परेशान हो जाते हैं या बड़ा प्रेशर होता है या बॉस की गालियों से तंग आ जाते हैं, तो एक दिन निर्णय लेते हैं कि मैं कुछ अपना बड़ा करूंगा. बट वो अपना बड़ा जानते हैं क्या होता है, वो अपना बड़ा होता है बेसिकली एक दुकान खोल लेना. 5 लाख 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, एक दुकान खोल ली और उसने बोला कि, उस व्यक्ति ने बड़े बड़ा प्राउड से बोला कि मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है. दिस इज नॉट द रियलिटी, वो एक्चुअली बिजनेस नहीं है. अभी हम उस पर भी बात करेंगे, वो बिजनेस नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है दोस्तों. तो वहां पे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, बट उसको ये गलती है, ये गलत फहमी है कि वो बिजनेस कर रहा है. तो 95% लोग दुनिया के ई और एस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जबकि महज 5% लोग बी और आई कैटेगरी में आते हैं. बी स्टैंड्स फॉर बिजनेसमैन एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर्स. बी का मतलब हो गया बड़े बिजनेसमैन. जब हम इंडिया की बात करते हैं बड़े बिजनेसमैन में, तो सबसे पहले नाम हमें कौन कौन से याद आते हैं, अडानी, अंबानी, टाटा बिरला, राइट. और लखनऊ की अगर मैं बात करूं, तो चूंकि मैं बिलोंग करता हूं लखनऊ को, तो गीता वस्त्रालय, गाड़ा बंडा, अटुंडे कबाबी, there are so many names which comes into our mind. बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े व्यवसायी हैं जो आज बहुत पैसा कमा रहे हैं. बट ये बिजनेस उन्होंने कैसे किया, उन्होंने 5 साल 10 साल 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट किया. और उस सिस्टम को क्रिएट करने के बाद क्या हुआ, आज वो काम करें या ना करें दोस्तों, उनके घरों में पैसा आएगा. आज वो दुबई में छुट्टी मनाए, यूएस में छुट्टी मनाए, यूके में छुट्टी मनाए, कहीं भी छुट्टी मनाए, स्विट्जरलैंड चले जाए, यूरोप चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे बराबर पैसा आता रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया है. आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, और फिर उसके बाद इन्होंने उस पैसे से प्रॉपर्टीज खड़ी करी, रियल एस्टेट या रेस्टोरेंट्स बना दिए, मॉल बना दिए, होटल्स बना दिए, समझ रहे हैं. उसके बाद उन्होंने रेंट वहां से वो अर्न कर रहे हैं, दे आर अर्निंग रेंट. अब इसके लिए भी उनको कोई मेहनत नहीं करनी. तो 5% लोग दुनिया में केवल इस तरफ आते हैं, और 95% लोग 95% विल स्टैंड इन ई एंड एस कैटेगरी. बट विडंबना क्या है, दुर्भाग्य क्या है, कि दुनिया का जो 95% पैसा है वो सिर्फ बी और आई कैटेगरी के पास है, यानी 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का पैसा है. जी हाँ दोस्तों, ये एक ताज्जुब की बात है, शायद आप हैरान हो गए होंगे, बट दिस इज द रियलिटी. और 5% पैसा पूरी दुनिया का बिलोंग्स टू ई एंड एस कैटेगरी. उल्टा है, कमाल की बात है ना. अब ई और एस कैटेगरी वालों के पास क्यों नहीं है ये पैसा, ये सोचने वाला प्रश्न है. बेचारे मेहनत सबसे ज्यादा करते हैं, करते ज्यादा करते हैं, बट फिर भी दुनिया का 95% पैसा बिलोंग्स टू बी एंड आई. व्हाई? सिंपल रीजन, सिंपल डिफरेंस. डिफरेंस ये है कि ई और एस कैटेगरी वालों को
विवेक सर वॉइस नहीं आ रही है। अलका मैम जी सर हेलो यस एम आई ऑडिबल यस सर एक्सट्रीमली सॉरी गाइज एक्चुअली देर वॉज सम इलेक्ट्रिक इशू मेरे घर में एक लाइट चला गया था तो मैंने अभी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिया है नो वरीज एट ऑल जस्ट प्लीज बी देयर ऑन होल्ड एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन वंस अगेन नथिंग टू वरी वी आर टीम हैप्पी वॉरियर्स एंड वी आर फाइटर्स मैं फिर से वापस स्टार्ट करता हूँ स्क्रीन को एंड अलका मैम प्लीज लेट मी नो दैट स्क्रीन स्टार्ट हो गया है या नहीं सो दैट आई विल फ्रॉम देयर ओनली वेयर आई लेफ्ट So what I believe that mera screen aapko dikh raha hoga. Yes, screen is visible. Sir, sorry to interrupt you. Yes, ma'am. Sir, Preeti ma'am ne message kiya hai ki wo network mein aa gayi hain. Okay, so beech mein kya mujhe rokna hai? Nahi sir. Aap continue kariye. Okay, so theek hai. To yahan pe main start karta hu and meri screen visible hogi. I think Alka ma'am and Ranjit sir. Yes, sir. Okay, so I'm just continuing from where I left and I'm extremely sorry, but some things are not under our control. You can see the light was gone and main usme zyada kuch kar nahi sakta, but nothing to worry, main wapas aa gaya hu. So welcome back to all of you and extremely sorry on behalf of entire team Happy Warriors. So main yahan pe baat cheet kar raha tha ki 5% log sirf बी और आई कैटेगरी में आते हैं और 95% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं बट विडंबना ऐसा क्यों है एक्चुअली ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो बी और आई वाले हैं उनके पास स्किल्स हैं उनको उनको ये पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है दे नो द फॉर्मूला एक्चुअली दे नो द मंत्र एक्चुअली और वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी और वो फॉर्मूला है टाइम लिवरेज करने का जो कि ई और एस कैटेगरी वाले नहीं कभी सोचते हैं कि हमें ये करना चाहिए और दिस इज द रीजन वो हमेशा 95% वाली कैटेगरी में रहते हैं रीजन बीइंग बिकॉज दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर ब्रेड एंड बटर दे आर वर्किंग फॉर लंच एंड डिनर दे आर वर्किंग फॉर ईएमआईज दिस इज द ओनली रीजन सिर्फ ये रीजन है और कोई रीजन नहीं अदरवाइज वी ऑल हैव इक्वल पोटेंशियल हम सब के अंदर इक्वल पोटेंशियल है बराबर क्षमताएं हैं ईश्वर ने बराबर क्षमताएं दी हैं और आज आप जो गेस्ट स्पीकर हैं मिलेंगे उनसे मेरी बात को आप 101% स्टैंप लगा के मान लीजिए क्योंकि आज जब आप उनसे मिलेंगे तो ये बिलीव आपको हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल होगा यानी क्षमताएं सब में बराबर है प्रॉब्लम सिर्फ सोच में है जो 95% लोग हैं वो सोच नहीं पाते हैं बड़ा सोचते ही नहीं है वो सोचते हैं कि मेरा लंच और डिनर चल जाए मेरा ब्रेड एंड बटर हो जाए मेरी दाल रोटी चल जाए मेरा ईएमआईस चल जाए बस मेरे को जरूरत नहीं है अगर आप उनको कुछ बात करेंगे तो मैक्सिमम लोग दे विल आंसर यू कि क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की काम चल तो रहा है ऐसा कुछ मिलेगा आपको आंसर तो चैलेंज सिर्फ सोच के अंदर है बाकी वी ऑल हैव दैट इक्वल पोटेंशियल और आज जो गेस्ट स्पीकर है उनसे मिलने के बाद 100% हम लोग इस चीज को मान जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे स्लाइड में हमने समझा अब हम बात करते हैं प्राइवेट नौकरी गवर्नमेंट नौकरी ये सब मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है उसी कार्टून के द्वारा जो एक हंसता मुस्कुराता चेहरा है रॉबर्ट टी कियोसाकी सर का उनके माध्यम से और ऊपर जो कार्टून था उसके माध्यम से तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं आज जो हमारे ऐसे 95% लोग जो बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में जो ई और आई में आती है तो क्या उनको सोचने का हक नहीं है बड़ा बिल्कुल सोचने का हक है और वो भी सोच सकते हैं कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं और उन्हीं के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ऑप्शन है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं एंड दे कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर कौन होता है बड़ा बिजनेसमैन तो आज हम वो फॉर्मूले पे बात करेंगे उस मंत्र पे बात करेंगे और आज आपको वो स्किल्स मिलेंगी जिनसे आप वो सीख सकते हैं और आप बड़ा सोच सकते हैं और अगर आपने एक डिसीजन ले लिया एक निर्णय ले लिया तो 101% आप ये सब कुछ अर्न करेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ समय की आजादी पैसे की आजादी परिवार की सुरक्षा बेहतरीन स्वास्थ्य और दूसरों की मदद करके उनको आगे बढ़ाने का मौका तो चलिए समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है हम सभी जानते हैं कि कंपनी होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग उससे पहले हमें यह समझना जरूरी कि परंपरागत व्यवसाय क्या होता है देखिए दुनिया में दोस्तों दो तरह की मार्केटिंग होती है पहली मार्केटिंग है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जहां पे एक कंपनी है प्रोडक्ट को बनाती है फिर वो स्टॉकिस्ट के पास जाता है स्टॉकिस्ट से थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी फुटकर व्यापारी से ग्राहक के पास एंड यूजर जिसको हम कहते हैं अंतिम उपभोक्ता हिंदी में और अगर हम ध्यान दें तो वो जो अंतिम उपभोक्ता है जो ग्राहक है उसी से सबको पैसा जा रहा होता है सब उसी से अर्न कर रहे होते हैं फाइनली अगर कंपनी ने एक टूथपेस्ट बनाया
₹40 का, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 की आई, तो वो स्टॉकिस जाते जाते 50 का हो जाएगा, थोक व्यापारी तक जाते जाते 60 का हो जाएगा, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी तक जाते जाते 70 का हो जाएगा, और ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए बीच में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हायर किए जाएंगे, जो एक मिनट का ₹2 करोड़ चार्ज करेंगे, ₹6 करोड़ चार्ज करेंगे, और वो भी किसकी कॉस्ट से, किसकी जेब से बियर हो रहा है? अंतिम उपभोक्ता, एंड यूजर, ग्राहक, यानी हम सब, हम और आप। और वो प्रोडक्ट जो ₹40 का बिकना चाहिए था या ₹60 का, ₹70 का, वो बिकता है मार्केट में ₹100 का। जो बीच में 60% का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? इन मिडलमैन्स में, इन चैनल में। और ये चैनल कौन कौन से हैं? स्टॉकिस, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग वाले। सोच के देखिए 60%। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। हमारे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में क्या होता है, यही जो मिडलमैन है, जो चैनल है, इनको हम यहाँ पे कट करते हैं और सीधे सीधे कंपनी एक जिम्मेदारी लेती है, एक अकाउंटेबिलिटी लेती है, ओनरशिप लेती है कि प्रोडक्ट हम आप तक पहुंचा दे रहे, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, अगर पसंद आए तो सच को प्रमोट करना है। दोस्तों किसको प्रमोट करना है? सच को, झूठ नहीं। ये तो झूठ बोलना है, हमें पता है कि अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल नहीं लगाते होंगे, जुपिटर की बाइक नहीं चलाते होंगे, ऐश्वर्या राय लक्स का साबुन नहीं लगाती होंगी ₹30 का, हमें पता है ₹30 का लक्स साबुन लगा के वो मिस वर्ल्ड नहीं बनी है, उसके बाद वो इतनी सुंदर नहीं दिखती, हमें पता है। बट उसके बावजूद भी वो प्रमोट करते हैं, वो झूठ बोलते हैं और हम उनके झूठ बोलने पर प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यहां पर आज मैं जो बातचीत करने जा रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में सीधे कंपनी से प्रोडक्ट जो है ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, अपने स्टोर्स होते हैं कंपनी के, और वो उन स्टोर्स के द्वारा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं, और उसके बदले में मैं आपको बताऊं आपको क्या मिलता है। आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। फर्स्ट यू हैव टू बिकम यूजर और कंज्यूमर कह सकते हैं आप, और उसके बाद यू हैव टू बिकम अ प्रमोटर और प्रोज्यूमर। तो एक सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो प्रोज्यूमर बनना है, पहले कंज्यूमर देन प्रोज्यूमर यानी प्रमोटर। सो अगर हम प्रोडक्ट को यूज करें और हमें पसंद आए तो सच को प्रमोट करना है। दोस्तों क्या ये इतना कठिन काम है? और ये करके आप हिस्सेदारी ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में 60% प्रॉफिट की। दुनिया भर के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, 3 लाख करोड़ कंपनियां हैं, 3 लाख करोड़ दुनिया भर में 3 लाख कंपनियां हैं। उन 3 लाख डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 300 टॉप की कंपनीज हैं, जो एक्चुअली कंपनीज हैं, जो जेन्युइन कंपनीज हैं, जो बहुत सफल कंपनीज हैं। और उन 300 कंपनीज में आज मैं आपको बताऊं लाखों करोड़ों लोग पैसा कमा रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इसका आंकड़ा है, पूरी दुनिया में 14 लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री है, और पूरी दुनिया के अंदर 125 साल पुरानी इंडस्ट्री है अगर मैं बात करूं। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका ही इसके अंदर 32 करोड़ की आबादी के साथ कर रहा है 2,12,000 करोड़, चाइना कर रहा है सिर्फ 140 करोड़ जैसी आबादी के साथ में 1,77,000 करोड़ का बिजनेस। बट अगर मैं बात करूं मलेशिया जैसा छोटा सा देश, महज 3 करोड़ की आबादी है मलेशिया की और 30,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, बट हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया के अंदर अभी ये इंडस्ट्री बहुत नई है, सिर्फ 24 साल पुरानी है। और अगर मैं बात करूं अब हमारी इंडस्ट्री का यहाँ रिवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, अब इमर्ज कर रही है ये इंडस्ट्री। और अभी हमारा जो ये भारत देश में जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय हो रहा है वो लगभग 11,670 करोड़ हो रहा है, और ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिकॉज मैंने एक पढ़ा था कहीं पे कि पूरे इंडिया के अंदर जो आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं वो लगभग 11,000 करोड़ का टर्नओवर करती हैं पूरे साल के अंदर। तो एक अच्छा खासा फिगर हम टच कर चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। सो अभी मैं बात करूं आगे फ्यूचर की, तो 2025 तक आते आते फिकी और KPMG FICCI जो कि बेसिकली ई कॉमर्स को रेगुलेट करती है, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन और डायरेक्ट सेलिंग आता है, और इन दोनों के हिसाब से, फिकी और KPMG के हिसाब से, KPMG दुनिया के टॉप 5 ऑडिट एजेंसीज में से एक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग इंडिया अभी जो कर रहा है 11,670 करोड़, 2025 तक आते आते 64,500 करोड़ का इंडस्ट्री बनने जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं, समझदार हैं, मैं जितने भी आज यहाँ पे पहली बार लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है एक बार ठीक से सोचिएगा, मुझे बताइए आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग, रियल एस्टेट इतनी तेज ग्रोथ करेगा, टेलीकॉम करेगा, मोबाइल इंडस्ट्री करेगा, एविएशन इंडस्ट्री करेगा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी करेगा? नो, आंसर इज नो, ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विल ग्रो लाइक दिस। और ये ग्रोथ कितनी बड़ी है इमेजिन करके देखिए, 5 से 6 गुना ग्रोथ होने जा रही है, 11,000 करोड़ होने जा रहा है 64,500 करोड़। अब मेरा एक सवाल आपसे और है दोस्तों, सही समय कब है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, आज या 2025? तो आप में से जितने समझदार लोग होंगे कहेंगे आज। क्यों?
क्योंकि अगर हम 2025 में जाएंगे अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के पास और उनसे कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग चुनिए सबसे बेस्ट व्यवसाय है, तो वो क्या कहेंगे? सॉरी आपने लेट कर दिया। अब हम आपसे पूछते हैं आप करना चाहेंगे हमारे साथ? और उस समय आप बेचारे मुस्कुरा के रह जाएंगे। तो इसलिए दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री एंड यू नो जस्ट एंजॉय दिस जर्नी, बिकॉज अगले 5 साल में अगर आपने मेहनत कर ली तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। ये एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े बताए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अपना कारण स्पष्ट करें, डायरेक्ट सेलिंग को हमें चुनना क्यों चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग को चुनने के लिए इतने सारे कारण दिए हुए हैं: वित्तीय स्वतंत्रता, परिवार की सुरक्षा, पर्याप्त समय और पैसा, नियमित आय, जीने के बेहतर तरीके, बेहतर शिक्षा, समाज में पहचान, सामाजिक कार्य और शौक के लिए समय। दोस्तों इतने सारे रीजन है, ये जनरल रीजन है। मैं अपनी रीजन की बात करूं तो मुझे पर्सनली जो पसंद आया, समय की आजादी बिल्कुल चाहिए, पैसे की आजादी बिल्कुल चाहिए, परिवार की सुरक्षा बिल्कुल चाहिए, और बेहतरीन स्वास्थ्य बिल्कुल चाहिए, और दूसरों की मदद करके उनको आगे बढ़ाने का मौका, जी हाँ बिल्कुल चाहिए। मैं इससे पहले कॉर्पोरेट में जॉब करता था, एप्पल, वोडाफोन, हुआवे जैसे बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज के साथ में, एंड मैं आज जो भी बना हूँ उन्हीं कंपनीज में काम करने की वजह से बना हूँ। बट लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, अगर मैं वहां पे काम करता रहता तो क्या मुझे ये 5 चीजें मिलती? आंसर नो, बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं मैं एक रोबोट था, जो बॉस बोलेंगे वो मुझे करना है। और आज मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ कॉर्पोरेट वाले, वो इस चीज को अच्छे से समझते होंगे, बिल्कुल कोरिलेट करते होंगे, कनेक्ट करते होंगे। एंड बिल्कुल हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर जो इनोवेशन है, हमारे अंदर जो यू नो इनिशिएटिव लेने की जो कैपेबिलिटीज है, वो हम नहीं ले पाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे यू हैव गॉट कंप्लीट फ्रीडम, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, यू आर दी बॉस योरसेल्फ। गुड, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपका स्वागत करता हूँ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की दुनिया में। ये जो 3 विजनरी लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा, बिकॉज ये 3 लोगों ने वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म बनाया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इनके लिए क्लैप करें, सैल्यूट है इन 3 लोगों को। बीच में जो गौतम बाली जी बैठे हुए हैं, ये हमारी वेस्टीज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जो पीछे इनके साथ में 2 लोग खड़े हैं, एक का नाम है दीपक सूद सर, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस में से एक पार्टनर हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं कन्वर बीर सिंह। और ये 3 लोग विजनरी लोगों ने इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म को डेवलप किया आज से 16 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, आज 16 सुपर सक्सेसफुल साल हमें कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं 2004 में, 2 जून 2004 को वेस्टीज कंपनी ने अपनी स्थापना करी थी दिल्ली और बैंगलोर के 10x10 के छोटे छोटे ऑफिस से, यानी 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, सोच के देखिए। और आज हमारे 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेज हैं, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। 4000 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कंसल्टिंग सेंटर हैं, 1,25,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं। ये आंकड़े थोड़े से पुराने हैं। आज हमारे पास, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज COVID-19 पैंडेमिक में भी 6,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर डे ज्वाइन कर रहे हैं वेस्टीज को पहली पसंद के रूप में, और यह हम सबके लिए गर्व की बात है। पूरे महीने में 1,80,000 लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं। 200 से अधिक लग्जरी गाड़ियां हैं, 250 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां इनफैक्ट। और ये गाड़ियां कौन कौन सी हैं? BMW, Audi, Mercedes, Jaguar, Porsche जैसी गाड़ियां। आप हमारा टर्नओवर देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ, हमारा टर्नओवर 79% की क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट है हमारी CAGR के हिसाब से। और मैं आपको बता दूं, ये ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया, दिस अ ह्यूज ग्रोथ, बिकॉज जितने भी हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं वो सब समझते हैं कि सेल्स में अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हम सब समझदार हैं। 79% की क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट बहुत बड़ी ग्रोथ रेट होती है दोस्तों, बहुत बड़ी। यू कैन इमेजिन, हर साल हम 79% की क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट ले रहे हैं ईयर ऑन ईयर। इंटरनेशनल ऑफिस की बात करूं तो दुबई, बहरीन, नेपाल, UAE और बांग्लादेश, साथ ही साथ हमारा ओमान, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, घाना, 9 देशों के अंदर हम काम कर रहे हैं सक्सेसफुली। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज वेस्टीज के अलावा कोई और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी इंडिया के बाहर इस तरीके से नहीं गई है। और लोग यहाँ पे आज की डेट में अगर बात करूं तो ये सोच के कंफ्यूज हैं कि वो अपनी शॉप खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे लॉकडाउन में। वेस्टीज हमारा कंट्री ओपन कर रहा है, तो दिस इज ग्रेट अचीवमेंट, रेस्पेक्ट टू देम। एंड पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र की बात करें तो वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में शुमार है। वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज दोस्तों, वर्ल्ड की, मैंने अभी भी बताया 3 लाख से अधिक कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की पूरी दुनिया में। इसमें 300 जेन्युइन कंपनीज हैं, उन 300 के अंदर टॉप 100 में वेस्टीज केवल इस साल नहीं, लगातार पिछले 3 साल से अचीवमेंट पे अचीवमेंट, नए रिकॉर्ड पे नए रिकॉर्ड, नए माइलस्टोन पे नए माइलस्टोन क्रिएट कर रही है।
मैं आपको बताऊं इस साल हम लोग 30th पोजीशन पे आ चुके हैं, 30वें पायदान पर। इसके पहले हम लोग 63 पोजीशन पर थे टॉप 100 में, उसके पहले हम लोग 92 नंबर पर थे। यानी ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं हमने क्या जंप लिया है, क्या अचीवमेंट लिया है। 30-30 पायदान हम लोग जो है लगभग अचीवमेंट ले रहे हैं, छलांग ले रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्टीज को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018 का अवार्ड प्राप्त है। वेस्टीज को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज आईएएस के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का अवार्ड दिया गया है। आईबीसी कॉर्पोरेट अवार्ड बेस्ट हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी, वेस्टीज को बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2016-17 एवं 2017-18 अवार्ड प्राप्त है। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी एबीपी न्यूज चैनल द्वारा में दिया गया 2016-17 और 17-18। अब बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है आगे आइए समझते हैं इसको। हिमाचल प्रदेश बद्दी में हमारा खुद का प्लांट है और हम लोग 300 से अधिक प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और ये सारे प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड, जीएमपी सर्टिफाइड, एसजीएस सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड हैं। हलाल क्यों? क्योंकि हम लोग दुबई, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया जैसी गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं जहां पर काम करने के लिए हमें हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है जो कि क्वालिटी और गुणवत्ता को दर्शाता है दोस्तों। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक बहुत बड़े गर्व की बात है क्योंकि वेस्टीज इज द ओनली कंपनी व्हिच हु हैज दिस हलाल सर्टिफिकेट। यू कैन चेक ऑन गूगल, यू कैन चेक इन गूगल, यू विल फाइंड आउट वेस्टीज इज द ओनली कंपनी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड आईएसओ सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है जो कि इंडिया के लिए चाहिए, तो यू नो अबाउट इट। अब हम बात करते हैं विस्तृत उत्पाद श्रृंखला। वी हैव कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, डेली केयर प्रोडक्ट्स, जो आज की डेट में दैनिक दिनचर्या में प्रोडक्ट चाहिए। सुबह सो के उठने से लेकर रात के सोने तक आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो सब वेस्टीज मैन्युफैक्चर करता है। मैक्सिमम हेल्थ केयर, आयुर्वेद, कृषि उत्पाद, पर्सनल केयर, मेंस केयर, कलर कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, उपयोगी उत्पाद, ओरल केयर, हेल्थ फूड, होम केयर। मतलब आप सोचिए 12 से 14 कैटेगरीज के अंदर हम लोग शरीर 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। हमने बताया कि हम लोग वर्ल्ड वेस्टीज जो है इंडिया के बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड जीत रही है लगातार 2 साल। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हेल्थ के ऊपर और हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर कि कैसे वो आपको स्वस्थ रखने में बहुत कारगर हैं, बहुत मदद करते हैं। 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से हमारा मानव शरीर बनता है और इन कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर वगैरह चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो ऊर्जा में कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इंद्रियों की कार्य क्षमता में कमी, शरीर का संतुलित विकास, उम्र के प्रभाव, अन्य शारीरिक बीमारियां होने का खतरा रहता है। ये जो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, इतने सारे फल सब्जी मेवे, क्या किसी के लिए संभव है इतने सारे फल सब्जी मेवे लेना? जी नहीं, आंसर आएगा नहीं। और अगर आप लेते भी तो खेती किसानी में ये इतना सारा केमिकल पेस्टिसाइड पड़ रहा है आज की डेट में। एक सर्वे के अनुसार एक्चुअली हर हिंदुस्तानी 7 किलो यूरिया खा रहा है। आप समझदार हैं, 7 किलो यूरिया शरीर के अंदर जा रहा है, इतना डेंजरस है। अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन का, प्रदूषण का स्तर हम जान सकते हैं। लखनऊ दुनिया में इंडिया में नहीं, दुनिया में टॉप 9 में आता है, 9वें नंबर पर प्रदूषित शहरों के अंदर। और हम लोग खाते क्या हैं दोस्तों? जंक फूड। वी टोटली डिपेंड अपॉन जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन। आज की डेट में खैर इस पर थोड़ा सा रोक लगा है कोविड-19 पैंडमिक, बट रोक ऐसा नहीं है, लोग आज भी जुटे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं दोस्तों, तो वी हैव कंप्लीट रेंज ऑफ यू नो प्रोडक्ट्स विच आर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। एंड ये क्या है? वेस्टीज समुद्र के अंदर पाए जाने वाले एक एल्गी घास का ही शैवाल, जिसको निचोड़ के पाउडर उसका निकाला जाता है अर्क, और उसको कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है दोस्तों? क्योंकि कैप्सूल इसलिए दिया जाता है कि अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में देंगे तो जैसे ही वो पानी मॉइस्चर के संपर्क में आएगा वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है जिससे इसकी लाइफ शेल बढ़ाई जा सके। इसमें होता क्या है दोस्तों? हमारे मानव शरीर को रोज आना 46 तरीके के पौष्टिक तत्व चाहिए। अकेले स्पारलूना के अंदर 45 पौष्टिक तत्व होते हैं। अगर आपको ये चीज पता चल जाए, ये मंत्र पता चल जाए, रामबाण पता चल जाए, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? आंसर विल बी यस, मैं लूंगा। अब मैं बात करता हूँ वेस्टीज स्पारलूना में क्या क्या है। 13 विटामिन, 13 मिनरल, 3 नेचुरल पिगमेंट्स, 4 नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स, 8 नेचुरल कैरोटीनॉइड, 18 अमीनो एसिड। सोच के देखिए दोस्तों, 46 पौष्टिक तत्व चाहिए, 45 इसके अंदर अकेले हैं। और कीमत जान के शायद आप हैरान रह जाएंगे, 400 कुछ रुपए का एमआरपी है, 412 या कुछ रुपए का। और मैं आपको बताऊं इसका जो डीपी प्राइस है महज 360 रुपए का, यानी मोटा मोटी 3.60 रुपए का एक कैप्सूल पड़ता है, एक सुबह खाना, एक शाम को खाना, 7 रुपए दिन की खुराक, और आपको पूरे 45 न्यूट्रिशन मिल जा रहे हैं। केवल एक चीज नहीं मिलता है, वो क्या है? आगे बात करते हैं एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में बाबा जी ने बहुत प्रचार कर रखा है, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। इसमें 20 से अधिक जरूरी अमीनो एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है। कब्ज, एसिडिटी, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा रोगों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। कीमत बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 275 रुपए का बॉक्स, एक आदमी के लिए पूरा पर्याप्त है। डीपी प्राइस। वेस्टीज आंवला। स्पारलोना के अंदर दोस्तों सिर्फ एक चीज नहीं होती है, मैंने बताया 46 न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें 45 हमें स्पारलोना में मिल जाते हैं। 46 न्यूट्रिशन चाहिए, केवल अकेले आंवला नहीं होता है,
यानी आंवला का मतलब विटामिन सी, सॉरी, और विटामिन सी हमारा भर भर के प्रचुर मात्रा में आंवला के अंदर मौजूद है। ये हमें बहुत ही असरदार एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं उनका मुंह खोलता है, जितने जहरीले तत्व होते हैं वो बाहर निकालता है और जो अच्छे तत्व है उनको अंदर प्रवेश कराता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आंवला। अब अगर आप सिर्फ कॉम्बिनेशन बना लें स्पारुलिना का और आंवला का, तो दैट मींस आप इमेजिन करिए 175 रुपए का बॉटल है हमारा आंवला का और स्पारुलिना 360 रुपीज, टोटल यू विल स्पेंड ओनली 550 रुपीज एंड यू विल गेट ऑल द इम्यूनिटी प्रॉपरली। जो आप इम्यून सिस्टम आज की डेट में जो रटा जा रहा है, लोग कह रहे हैं COVID-19 ये वो, वेस्टीज हमारा 16 साल से इस चीज को प्रमोट कर रहा है, 16 साल से, और आज जितने भी 2 करोड़ वेस्टीजियन है वो इसका लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आंवला और एलोवेरा और आप स्पारुलिना अपनी भोजन में शामिल करिए, खाना खाने के बाद एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को, यू विल गेट फिट एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर, आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नोनी, वेस्टीज का नोनी। इस पर रिसर्च हमारे लेट प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम आजाद जी ने किया था और मैं बात करना चाहूंगा, सदी के महानायक हैं ये, एक्चुअल रियल हीरो हैं, हम सभी जानते हैं इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए कमाल का है। नोनी में होता क्या है, नोनी में एक 09 करके एक तत्व होता है जो अनानास से 40 गुना ज्यादा होता है। बेसिकली ये अनानास की प्रजाति का एक फ्रूट होता है, एक फल होता है, और इसके अंदर बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचाता है, जानलेवा फोड़े ट्यूमर को गलने की क्षमता रखता है, कैंसर के खतरे को भी कम करता है, याददाश्त और एनर्जी को बढ़ाता है, विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, दमा सभी प्रकार के दर्द सोराइसिस जैसी परेशानियों को खत्म करता है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही बढ़िया, गाय जब पहला गाढ़ा दूध देती है तो बछड़े को जन्म देने के बाद तो उसे खीस कहते हैं और वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है, सेल्स को, डेड सेल्स को रिपेयर करता है, त्वचा को लचीला बनाता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। फ्लैक्स ऑयल, अलसी के बीज का तेल है, कमाल के अनगिनत फायदे हैं दोस्तों इसके भी, बढ़े हुए रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, रक्त ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करता है, नसों में खून के थक्के नहीं बनने देता, गुर्दा अच्छी तरह काम करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, मासिक धर्म में होने वाली तकलीफों को दूर करता है, पुराने मधुमेह से पीड़ित यानी शुगर पेशेंट को कंट्रोल करता है, शुगर कंट्रोल करता है, गर्भावस्था में आराम रहता है, प्रसव में आसानी होती है, बच्चा स्वस्थ रहता है। L-arginine के अनगिनत फायदे हैं दोस्तों, इसका निर्माण डॉक्टर फरीद मुराद ने किया जिन्हें 1998 में दवाओं के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। L-arginine के बहुत सारे फायदे हैं, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के लेवल को निर्धारित करता है, बढ़ती उम्र और गलत खान पान से होने वाली परेशानियों को दूर करता है, प्रणाली को बेहतर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और फिटनेस को बेहतर बनाता है, वजन को कम करता है, क्रॉनिक पेन करता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है, बाईपास सर्जरी के बाद दिल की धमनियों को बचाव करता है, हार्ट सर्जरी के बाद रिकवरी समय को कम करता है। बात करते हैं ग्लूकोसामाइन की, हमारे शरीर में जॉइंट पेन में जब तकलीफ हो, हर घर में एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो इससे परेशान है, और आपको बताना चाहता हूं अगर आप इसके साथ में हमारा कैल्शियम और फ्लैक्स सीड ऑयल अलसी के बीज का तेल देते हैं तो आपको कमाल का बेनिफिट मिलेगा। 6 महीने से 8 महीने खिला दीजिए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, गठिया बाज जाएगी। कैल्शियम मैंने आपको बताया नेचुरल कैल्शियम है, मात्र 230 रुपए की 100 टैबलेट एक व्यक्ति के लिए सफिशियंट है दोस्तों। कोलेजन बहुत ही कमाल की चीज है, हमारे शरीर में जितना भी ये जॉइंट के लिए ये भी है, जॉइंट पेन को खत्म करता है, इसमें जबरदस्त प्रोटीन होता है, हमारी हड्डियां और जितने जॉइंट हैं उनको ये फिट रखने में मदद करता है। नीम, निबोरी का तेल है, बेसिकली 40 से अधिक बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, नीम सबसे बड़ा ब्लड प्यूरिफायर हम सभी पता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखने में सहायक होता है। वेस्टीज का स्टीविया शुगर फ्री टैबलेट है बेसिकली, और आपको ये प्राकृतिक रूप से गन्ने से चीनी से 100 से 300 गुना अधिक मीठी होती है, 100% प्राकृतिक मिठास है इसके अंदर। डाइट्री फाइबर कब्ज एसिडिटी और लीवर के लिए बहुत ही बढ़िया है, जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है वो इसको लें, बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे। डिटॉक्स फूड पैच भी आपका जो है शरीर के अंदर जितने जहरीले तत्व होते हैं उनको बाहर निकालता है और आपको फिट रखने में मदद करता है। कर्क्यूमिन प्लस हल्दी से होने वाले सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, कैंसर तक के खतरे को ये खत्म में अनेक रोगों के इलाज होता है, जड़ी बूटियों का राजा भी कहा जाता है। गिनोडर्मा एक तरह से बॉडी के अंदर जाता है, स्कैनर का काम करता है, जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है, एक्टिव करता है। आई सपोर्ट की बात करें तो आंखों के लिए बहुत ही कमाल का, जिन लोगों को भी आंखों की परेशानियां हैं वो उनको ले सकते हैं। नेत्र विकारों, आंखों में सूजन तथा रेटिना संबंधी अन्य समस्याओं की भी रोकथाम करता है। फॉलिक एंड आयरन, महिलाओं में अक्सर 10 में से 3 महिलाएं एनीमिक होती हैं, अगर आप ये देंगे तो उनका जो एनीमिया का जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगा और वो फिट हो जाएंगी और हेल्दी रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं में 10 में से 3 सभी महिलाओं को इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, और पुरुष भी ले सकते हैं। वेस्टीज का शतावरी मैक्स एंड क्रैनबेरी, ये स्पेशली लेडीज के लिए। शतावरी मैक्स क्या है, महिलाओं में अक्सर हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, डिप्रेशन, अगर आप ये देंगे तो वो बहुत स्वस्थ रहेंगी, फिट रहेंगी।
क्रैनबेरी की बात करूं तो ये यूटीआई इन्फेक्शन को फिट रखने में मदद करता है, जो महिलाओं में यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन होता है उसको सही करता है। बात करेंगे वेस्टीज का, विस्लिम कैप्सूल, ये हमें फिटनेस की ओर ले जाता है। विस्लिम कैप्सूल बेसिकली इसमें गार्शिनिया कंबोजिया करके होता है, साउथ अफ्रीकन फ्रूट है, हमें फिट रखने में मदद करता है, जो फैट बर्निंग रेट है उसको बढ़ा देता है। विस्लिम शेक अपनी एक मील से आप इसको रिप्लेस करके अपने आपको फिट कर सकते हैं, महीने में 4 से 5 किलो वजन घटा सकते हैं। साथ ही साथ विस्लिम टी है, ग्रीन टी का एक जबरदस्त अल्टरनेटिव ऑप्शन है। प्रोटीन पाउडर है हमारे पास, कमाल का प्रोटीन पाउडर है, वे और सोया मिल्क प्रोटीन पाउडर, 10 में से 8 ग्राम इसमें प्रोटीन मिलेगा आपको। दूध, जूस, दाल, सलाद, सब्जी, आटे किसी में भी मिला के ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तक अभी जो मैंने आपको बात बताई वो हमारे सप्लीमेंट्स की बात बताई। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? आहार पूरक, फूड सप्लीमेंट, भोजन की थाली में जो पौष्टिक तत्वों की कमी है वो आप उनसे पूरा कर सकते हैं। फिर भी अगर आप बीमार पड़ गए किसी कारणवश तो हमारे पास आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में हमारे पास आयुषांते प्रो कार्ड है, हमारे पास रेस्पो केयर है जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी है, किडनी हेल्थ है किडनी की सुरक्षा के लिए, लीवर हेल्थ है लीवर की सुरक्षा के लिए, टॉक्सलीन है, जैसे हमारी वो पट्टियां काम करती है वैसे ये काम करती है। अब हम बात करेंगे आयुषांते ग्लूको हेल्थ, ग्लूको हेल्थ शुगर पेशेंट्स के लिए है। देन हमारा आयुर्वेद में वाइटल कॉम्प्लेक्स है, मल्टी विटामिन है ये। प्राइम क्रिल ऑयल की बात करेंगे, ये एक प्राइम कैटेगरी रेंज में आता है जिसमें हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। समुद्र के अंदर एक झींगा पाया जाता है, उस झींगा मछली से ये तेल निकाला जाता है और आपको दिया जाता है। मैं आपको बताऊं इससे अनगिनत फायदे हैं, बहुत जबरदस्त है ये, रिच फैटी एसिड्स के साथ में तो हाई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दिल दिमाग और लीवर जैसे हमारे ऑर्गन्स को ये बहुत सही रखता है। साथ ही साथ बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए सीमेंट बोला जाता है। काम्बायोटिक्स भी एक मल्टीविटामिन है। देन वेस्टीज का एक्सट्रैक्ट, 13 फलों का जूस है, 7 हरी सब्जियों का जूस हम आपको दे रहे हैं एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट वी के द्वारा। अब बात करते हैं लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल, चावल की भूसी का तेल है, दुनिया में सबसे अच्छा कुकिंग ऑयल इसको बोला गया है। इसमें ओरिजिनॉल होता है जिसके बहुत ही जबरदस्त गुण है। आप इसको लेना शुरू करें, आपके घर में बहुत सारी परेशानियां, हृदय संबंधी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, नसों में रुकावट, याददाश्त की कमी, शुगर, बदहजमी, गैस, एसिडिटी, थायराइड, ये सारी परेशानियां आपकी केवल खाना बनाने वाले तेल को रिप्लेस करने से हट जाएंगी। ऑलिव ऑयल आता है हमारा दोस्तों, इनविगो प्रोटीन पाउडर आता है, नरवाइड न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट सीरियल है, फ्रेशन अप ड्रिंक है, जेटा टी चाय की पत्ती, कॉफी फ्लेक्सी, बात करें डेली जो नीड में जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। वुमेन हाइजीन के लिए हमारा फोमिंग एंटीमेट वॉश है, एश्योर बॉडी टॉक हमारे पास पाउडर आते हैं हमारे पास, देन सोप है हमारे पास 3 प्रकार के, अभी चौथा सोप भी आ गया है आप देख सकते हैं। हैंड वॉश है हमारे पास, पुरुष और महिलाओं के लिए डिओड्रेंट है, परफ्यूम स्प्रे है जिसमें ऑरा आर्कटिक एंड पल्स है, देन पॉकेट परफ्यूम स्प्रे आते हैं हमारे पास, हेयर ऑयल, 3 प्रकार के शैम्पू हैं दोस्तों, अलग अलग स्कल्प होती है हमारे सबकी, तो सबके लिए अलग अलग, किसी के रूखे बाल होते हैं, किसी के ऑयली बाल होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग स्कल्प के लिए अलग अलग शैम्पू होने चाहिए। देन हेयर स्पा, हेयर कंडीशनर, हम बात करेंगे फेस वॉश, नाइट क्रीम, फेस पैक, फेयरनेस क्रीम, मसाज क्रीम, स्क्रब, क्लिंजर एंड टोनर, डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन, सनस्क्रीन, बीबी क्रीम, शेविंग क्रीम, इंस्टा क्रीम, इंस्टा रिलीफ क्रीम, ये बेसिकली आपके मसल पेन के लिए। आप बात करते हैं हम लोग फूड क्रीम, बॉडी पॉलिश, बॉडी वॉश, बॉडी लोशन, पीच बॉडी बटर, तो बहुत लंबी चौड़ी रेंज है हमारे पास। ओरल केयर की हम बात करें तो हमारे हमारे ओरल केयर के लिए डेंट एश्योर का हमारा माउथ वॉश आता है, टूथपेस्ट आते हैं हमारे 3 प्रकार के आते हैं जिसमें टूथब्रश आता है हमारा। फिर हम बात करते हैं हमारे पास अल्ट्रा वॉश है, कपड़े धुलने के लिए लिक्विड में डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट पाउडर है, बर्तन धुलने के लिए डिश वॉशर है, अल्ट्रा गार्ड है जो कि हमारे टॉयलेट क्लीनर है बेसिकली, ग्लास और हाउस होल्ड क्लीन करने के लिए है, फ्लोर क्लीनिंग के लिए अल्ट्रा स्वैब है, अल्ट्रा शील्ड है। देन हम बात करते हैं शार्प का एयर प्यूरीफायर, हमारा जो एयर प्यूरीफायर है दोस्तों ये शार्प कंपनी बेसिकली हमारे लिए बनाती है, वेस्टीज जानते हैं करते हैं हमारा, तो इसमें आपको बेसिकली मैं चाहूंगा आपके के अंदर 250 को ये एकदम क्लीन कर देता है, आपको ऐसा फील होगा जैसे आप गार्डन में बैठे हुए माणु फफूंदी धूल कर घुटन बासी पेन, आपको बहुत यूज करिए। देन वाटर प्यूरीफायर है, तो वेस्टीज आपको एक तरह से देखिए हमारे CNT हम लोग सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साफ भोजन, साफ पानी और साफ हवा, ये तीनों चीजें चाहिए। तो भोजन हम आपको दे रहे हैं, सप्लीमेंट्स दे रहे हैं आपको, बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, साथ ही साथ हमें वाटर प्यूरीफायर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, साफ एयर के लिए हम एयर प्यूरीफायर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वेस्टीज इज गिविंग यू कंप्लीट सॉल्यूशन एट वन प्लेस ओनली। सो यहाँ पे हमारा वाटर प्यूरीफायर है जो कि बेसिकली अल्कलाइन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आपके शरीर में जब ये पानी जाता है तो आपको बहुत फिट रखने में मदद करता है।
और आपको बता दूं ये भी पेटेंट है, ये बेसिकली वेस्टिज के लिए ही बनाया जाता है शार्प कंपनी के द्वारा, और शार्प कंपनी आप जानते हैं जापान की कंपनी है, दिग्गज कंपनियों में आती है। अब हम बात करते हैं मेंस ग्रूमिंग के लिए, हमारे पास शेविंग जेल, फेस वॉश, डिओड्रेंट, बाथिंग बार है। इसके अलावा ब्यूटी केयर, जो भी महिलाएं कील मुहासे जहां दानों से परेशान उनके लिए इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, यूथ एलेक्सर, डीप क्लेंजिंग ऑयल, ब्लेमिश जेल, अंडर आई सीरम। अब हम बात करेंगे कलर कॉस्मेटिक्स की, महिलाओं के लिए आईलाइनर, काजल, लिपस्टिक, मस्कारा, नेल पॉलिश वगैरह है, जबरदस्त ब्रांड है ये, बहुत ही बढ़िया कलर कॉस्मेटिक्स, मिस्टर ऑफ मिलान। एक बार आप जितनी भी महिलाएं हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो यू वुड लव टू यूज दीज प्रोडक्ट्स, मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ खेती किसानी के लिए हमारे पास किसान भाइयों के लिए बहुत ही कमाल की रेंज है, 7 प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी खेती को बहुत ज्यादा बेहतर कर देते हैं, हमारी गुणवत्ता को, उत्पादक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड को लगातार कम करते हैं, जिसमें एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, एग्री ह्यूमिक, एग्री 82, एग्री बायोफंगिसाइड, एग्री मॉस, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल्स, ये सब आपके लिए बहुत ही कमाल की चीजें हैं। इसकी अधिक डिटेल आपको मिल जाएगी, आप इसकी अलग अलग ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, वेस्टिज के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों वेस्टिज के बेहतरीन उत्पाद एवं उनके लाभ यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये हमारे न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट जो डाइटिशियन होते हैं वो डिजाइन करते हैं, और ये सब गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं वेस्टिज के अंदर, ये डॉक्टर्स हैं जो बेसिकली आपके लिए चार्ट डिजाइन कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको क्या करना है, सिंपल इस चार्ट को रखना है, पहले प्रोडक्ट खुद कंज्यूम करना है, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको फायदा होता है तो आप लोगों को रेकमेंड करना शुरू करिए, यानी सच को आपको प्रमोट करना है। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो क्या देना है, आपने ये चार्ट देखना है, स्पारुलिना, कोलेस्ट्रम, गनोडर्मा, उनको रेफर कर देना, रेकमेंड कर देना। किसी को थायराइड है तो आंवला, गनोडर्मा, नोनी फ्लेक्स ऑयल, बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी बिजनेस है, ये चार्ट आप अपने पास संभाल के रखिए। ग्राहक का फायदा, एक सर्वे के अनुसार एक्चुअली विश्व भर में बिकने वाले उत्पादों का सही प्रचार तथा उसके उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जाता है, यानी प्रमोट करता है, जिससे विक्रेताओं को तो भारी मात्रा में मुनाफा होता है, यानी जो सेल कर रहा है उसको तो खूब बेनिफिट हो रहा है, परंतु उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हो पाता। ये वेस्टिज अवसर उन्हीं संतुष्ट ग्राहकों को, यानी जो सेटिस्फाई कस्टमर है, उनको आर्थिक आजादी प्रदान करता है। कैसे, आइए जानते हैं। उपयोग करना है, यूज करना है और साझा करना है, शेयर करना है। इसमें 9 प्रकार की इनकम है दोस्तों। पहली इनकम क्या है, सेविंग ऑन कंजम्पशन, जिसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, 10-20% का, परफॉर्मेंस बोनस 5-11% का, ब्रांच डायरेक्टर बोनस 4% का, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% का, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% का, ट्रैवल फंड 5%। जी हाँ दोस्तों, साल में विदेश यात्रा करने को आपको वेस्टिज 2 बार मौका दे रही है ट्रैवल फंड के द्वारा, 5% अपनी हिस्सेदारी देकर के, कार फंड 5%। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए 5% की हिस्सेदारी मिल रही है। हाउस फंड आपको सपनों का घर खरीदने के लिए 3% की हिस्सेदारी देती है वेस्टिज। एलीट क्लब बोनस, ये क्या है, डीसीडी एंड यूसीडी के लिए, इसके आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान आपके लिए आया है लेकर के 9 प्रकार की इनकम। तो केवल आपने प्रोडक्ट यूज करना है, पसंद आए तो सच को प्रमोट करना है, और वो प्रमोट करने से आप ये 9 के 9 इनकम कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं दोस्तों, उस पर आइए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, मुझे सिर्फ कुछ सेकेंड्स दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं। I'm so sorry, guys. So thank you so much for allowing me to have water. And मैं start करता हूँ। हम लोग बातचीत कर रहे थे consistency offer, हमारी Vestige company consistency offer लाती है, जिसको हम loyalty offer कहते हैं basically। ये हमारे loyal customers के लिए, आपने करना है क्या है, जितनी भी बड़ी मैंने range अभी आपको दिखाई है 300 से अधिक products की, आपने क्या करना है, अपने घर में जो जरूरत के products हैं वो use करने हैं। सपोज अगर आपने 3-5 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट लेने शुरू किए, सिर्फ 3,000 रुपए के 4 महीने तक शॉपिंग करिए, 5वें महीने आपको 2400 रुपए डीपी प्राइस या 2500 रुपए डीपी प्राइस के अप्रोक्स आपको प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं, और इसके अलावा आपको 300 रुपए का मुफ्त प्रोडक्ट मिलेगा हर महीने, 20% रिटेल प्रॉफिट, जिसमें 600 रुपए आपको और फायदा होगा, सेविंग होगा, और तीसरा फायदा आपको 150 रुपए का कैशबैक आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगर ये सारे बेनिफिट हम जोड़ते हैं तो ओवरऑल टोटल बेनिफिट देखिए 7,080 रुपए आपने सेव किया, यानी 59% तक की आपकी सेविंग हो गई दोस्तों। तो एक ग्राहक के तौर पर 59% की सेविंग अगर आप कर रहे हैं तो ये करना समझदारी है कि नहीं, और अगर यही चीज आपको पसंद आई है तो अपने दोस्त, मित्रों, रिश्तेदारों को बताने में कौन सी कठिनाई है। आइए समझते हैं वेस्टिज का बेस्ट डील अपॉर्चुनिटी, ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आज अगर आपको केवल वेस्टिज के ही प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, वेस्टिज के प्रोडक्ट के साथ में आपको एक और बहुत बड़ी रेंज मिल रही है, हमारा एक वर्टिकल है वेस्टिज बेस्ट डील, जिसमें आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। हमारे वेस्टिज के तो 4,000 स्टोर ही हैं, वेस्टिज बेस्ट डील के हमारे 158 से अधिक स्टोर है ऑल अक्रॉस द कंट्री, और इसमें लखनऊ के अंदर जिसमें आपको राजधानी का आटा चाहिए वो मिल जाएगा, दलिया, बेसन, आपको एवरेडी के सेल चाहिए, कैच मसाले चाहिए, आपको गोल्डी के मसाले चाहिए, ये सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों।
और यहाँ पे भी 3,500 की अगर आप ग्रोसरी लेते हैं वेस्टीज से, वेस्टीज से, तो 6 महीने की ग्रोसरी लेने पर 7वें महीने की 3,500 की ग्रोसरी फ्री है। इसी तरह से 2,000 की कंसिस्टेंसी की शॉपिंग करिए, 3 महीने तक 4वें महीने 1,000 रुपए की ग्रोसरी आपको फ्री मिल रही है। तो ये सारे ऑफर्स आपको वेस्टीज के अलावा कौन देगा दोस्तों, और साथ ही साथ 9 प्रकार की इनकम कमाने का मौका। और वेस्टीज जैसा ब्रांड, इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, दुनिया में 30वें नंबर पर हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और टॉप 10 में 2025 के अंदर होंगे। आइए अब हम समझते हैं वेस्टीज से होने वाली हमारी दूसरी इनकम, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है दोस्तों, आप इस बिजनेस में आते हैं, आपको प्रोडक्ट पसंद आते हैं, आप यूज करते हैं। मान लीजिए आपने 3,000 की शॉपिंग से शुरुआत करी, तो 3,000 को आप यहाँ पे हमारा पॉइंट वैल्यू सिस्टम चलता है हमारे लेवल को डिसाइड करने के लिए। पॉइंट वैल्यू क्या है, बेसिकली एक मेजरमेंट इंडेक्स है, जैसे लीटर होता है या मीटर होता है डिस्टेंस को नापने के लिए या लिक्विड को नापने के लिए, दूध या पानी को, वैसे ही समझ लीजिए कि लेवल को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे पॉइंट वैल्यू सिस्टम दिया होता है। पॉइंट वैल्यू में 30 रुपए का एक पॉइंट वैल्यू आपको मिलता है, यानी जब जब आप और आपकी टीम में 30 रुपए की खरीदारी होगी आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप आते हैं 3,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, 599 पॉइंट वैल्यू के बीच में है, तो आपका लेवल कितना होगा दोस्तों, 5% का। इसी तरीके से आपका बिजनेस एक्युमुलेशन बेस चलता है, जुड़ते क्रम में। आपने क्या किया, अगले महीने 10 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया। अब 10 लोगों ने आपके कहने पर इस बिजनेस में ज्वाइन किया, उन्होंने भी अपनी वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट किया, और उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, उनका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, आधार कार्ड वोटर आईडी डीएल, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेना है, और उसके साथ ही साथ उनको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का नाम। ये करके आप ऑनलाइन उनकी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। 5 मिनट का काम है। वेस्टीज POS, वेस्टीज और वेस्टीज बेस्ट डील, 3 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी। वेस्टीज पॉस से आप ऑनलाइन उनकी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है वेस्टीज पॉस के द्वारा, और आपके घर पे 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है। लॉकडाउन है तो 10 दिन लग सकता है, 20 दिन लग सकता है, देर इज नो कन्फर्मेशन, बिकॉज वो उस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा इंटीरियर एरिया है तो 10 दिन लग सकता है, अगर वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो यू कैन इमिडिएटली यू नो कंसल्ट विद योर अपलाइन एंड he will check with the Vestige office what is the exact issue and he will definitely bring the solution for you. So, दोस्तों हम बात करते हैं, normally ये सब problems नहीं आती है, but कहीं कहीं पे interior या lockdown के situation में थोड़ा सा देर सवेर होता है, और वो भी Vestige उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है दोस्तों। एक गुड न्यूज है, आने वाले टाइम में बहुत जल्द 2-3 महीने के अंदर ही हो सकता है डिलीवरी टाइम सिर्फ 2 घंटे का हो, है ना कमाल की बात। तो आप उसको ट्रैक भी कर पाएंगे कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा, तो ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस होने वाला है दोस्तों। अब आइए आगे समझते हैं हम लोग। 1 से 599 पॉइंट वैल्यू के बीच में आप हैं तो 5% आपका लेवल कहलाता है, 600 से 2399 पॉइंट वैल्यू तो 8% कहलाता है, 2400 पॉइंट वैल्यू से 5,549 पॉइंट वैल्यू तो 10% कहलाता है आपका लेवल, और जैसे ही आप 5500 पॉइंट वैल्यू के ऊपर जाते हैं तो 11% कहलाते हैं आप, और 11% करते ही आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर दोस्तों। और यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत आसान है। अगर 599 में आपको रुपए निकालना है तो गुणा कर दीजिए 30 से, 599 × 30 यानी 17,950 रुपए का बिजनेस बना। 2399 पॉइंट वैल्यू में कितना रुपया बना, सीधा गुणा कर दीजिए 30 से, 72,950 रुपया बना। 5499 में कितना बना, सीधा सीधा 30 रुपए से गुणा कर दीजिए, लगभग 1,64,950 रुपया बना। 5500 पॉइंट वैल्यू को 30 से गुणा कर दीजिए, 1,65,000 के ऊपर जैसे ही आपका टर्नओवर गया, वो भी जुड़ते क्रम में, आप कहलाएंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और वेस्टीज बिजनेस के अंदर आपको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए हैं दोस्तों। हम यहाँ पे सेल्समैन बनने नहीं आए, वी आर हियर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर होता है बड़ा बिजनेसमैन, और वो कब बनता है, जब वो रॉयल्टी पार्टनर बनता है, और वेस्टीज में आपकी रॉयल्टी की जर्नी यहीं से शुरू हो जाती है दोस्तों। फास्ट स्टार्ट प्रमोशंस क्या है, वेस्टीज आपके लिए लेकर के आए, अगर आप फास्ट तेज तेज चलने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए 2 ऑफर हैं। पहला, आप फास्ट स्टार्ट 8% कर सकते हैं 282 पीवी करके, यानी मात्र आपको 17,950 रुपए का बिजनेस नहीं देना है, जो कि 599 पॉइंट वैल्यू करने पे आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 282 पीवी जो अप्रोक्स 9,000 रुपीज के आसपास होगा, वही करते ही पहले मंथ में, सिंगल मंथ में, विद इन 30 डेज ऑफ योर ज्वाइनिंग, या सिंगल एक मंथ के अंदर अगर आप करते हैं तो आप कहलाते हैं फास्ट स्टार्ट 8%, और आप सीधे सीधे एक लेवल अप हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलना शुरू होता है दोस्तों, आपको डिफरेंशियल इनकम आनी शुरू होती है, आप और आपकी टीम के बीच का डिफरेंस, और साथ ही साथ आप जिस लेवल पे होते हैं उतना आपको आता है कैशबैक अपनी खुद की खरीदारी पर। तो ये होती है हमारी इनकम परफॉर्मेंस बोनस की। फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे बनते हैं, आप अपनी टीम में
जैसे ही आप टोटल एक ही मंथ में सिंगल मंथ में 4500 पॉइंट वैल्यू का बिजनेस दे देते हैं, जो कि 1,35,000 रुपए का हुआ, गुणा करिएगा 30 से, तो ये आप करके आप कहलाते हैं फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर और आपको रॉयल्टी मिलनी शुरू हो जाती है। आइए समझते हैं रॉयल्टी क्या है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस इसको हम कहते हैं। ये कैसे आता है, इसके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, आपको सिंगल मंथ में 2000 पीवी मेंटेनेंस के लिए चाहिए कम से कम दोस्तों, और 11% का लेवल आपका होना चाहिए, 5500 पीवी क्यूमुलेटिव करके गए हो या आप अचीव करके गए हो या आप 4500 पीवी एक ही मंथ में करके गए हो। अब यहाँ पे आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के लिए क्या करना है, आपका पर्सनल जो खुद की शॉपिंग होनी चाहिए वो 40 पीवी की होनी चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया, यानी 1200 रुपए से 1300-1400 रुपए की शॉपिंग आपकी खुद की होनी चाहिए, तब आपका पे आउट आएगा। पर्सनल ग्रुप सेल्स कितनी होनी चाहिए, 2000 एक पीवी की, एंड आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितना मिलता है, 6%। ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपको हो जाता है, मैंने आपको बताया, और वहां पे आपको हिस्सेदारी मिलती है, आपको यहाँ हिस्सेदारी मिलती है 4% की। तो वेस्टीज बिजनेस अपने ग्लोबल टर्नओवर का 4% निकलता है, वेस्टीज बिजनेस का ग्लोबल टर्नओवर इस समय दोस्तों 2500 करोड़ का है साल का, डिवाइड कर दीजिए 12 से, एक महीने का निकलेगा 2 क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था दोस्तों कि बिजनेस वॉल्यूम होता है 60% क्योंकि 40% कंपनी की कॉस्ट होती है, तो 120 करोड़ का 4% निकालेंगे दोस्तों, आप बनेगा वो 4,80,00,000 रुपए। और ये 4,80,00,000 रुपए किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक फॉर्मूला होता है बोनस पॉइंट वैल्यू के थ्रू, आप मोटा मोटी ऐसे मानिए कि 4% को 4,80,00,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किसमें, जितने भी ब्रांच डायरेक्टर हैं हमारी टीम के अंदर, तो उनकी हिस्सेदारी यहाँ पे होती है। और वहां से ही मैं आपको बता दूं 4,000 से लेकर आपका चेक 40,000 रुपए का हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी टीम का और आपका कितना बड़ा टर्नओवर हो रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सिल्वर डायरेक्टर पे, सिल्वर डायरेक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, आपने करना है 11%, आप ही हैं, आपकी टीम में एक व्यक्ति की मदद करना है और उनको पहुंचाना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर पर। अब वो एक ही महीने में आ जाएं या क्यूमुलेटिव करके आए, उनको 2000 पीवी मेंटेन करने के लिए साइड वॉल्यूम आपको बाकी के 5 फ्रंट से आपको करना है सिर्फ 1800 पीवी, जो कि बहुत आसान है। हर एक ग्रुप से अगर आप सिर्फ 400 पीवी भी कराएं, जो कि मात्र 12,000 रुपए का बिलिंग हुआ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 12,000 रुपए की बिलिंग के लिए कितने कस्टमर चाहिए, 12, हो सकता है 6, 2,000 के, हो सकता है 4, 3,000 के, कितना आसान है। अगर हमारी टीम में 5 एक्टिव मेंबर और हैं, 5 एक्टिव पार्टनर और हैं, तो क्या वो एक्टिव पार्टनर 12,000 रुपए की बिलिंग नहीं करा पाएगा, सोच के देखिए। तो बिजनेस बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं अपने साइड मेंटेनेंस। यहाँ पे करते ही आपको एक और इनकम आने लगती है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस दोस्तों, 14% की हिस्सेदारी में आपको पार्टनरशिप मिलती है। वेस्टीज कंपनी अपने ग्लोबल टर्नओवर का 14% निकालती है, वैसे जैसे मैंने भी आपको बताया था सेम वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पे आपको ये एक और इनकम शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस, और ये इनकम आपकी इनकम है। अब आते हैं फिफ्थ इनकम पे, लीडरशिप और राइडिंग बोनस दोस्तों। जैसे ही आप सिल्वर लेवल क्वालिफाई करते हैं, आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ है उस ग्रुप से आपको 5625 पॉइंट वैल्यू कराना है, और 5625 पॉइंट वैल्यू कराते ही आप एलओबी के हिस्सेदार हो जाते हैं, और एलओबी बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो मेरे ही पे आउट को अगर आप देखेंगे तो उसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा केवल एलओबी से आता है। या सिद्धार्थ सिंह सर की बात करें, दिवाकर सर के चेक में देखिए, अगर उनका 8-9 लाख आ रहा है तो उसमें 50% कंट्रीब्यूशन, अप्रॉक्स 40-50% कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस इवन विद सिद्धार्थ सिंह सर। लास्ट मंथ उनका 1,18,00,000 रुपए गया है, उसमें से 50 से 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए आई थिंक एलओबी से आया है, तो आप चेक कर सकते हैं बहुत बड़ी इनकम है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन रूल क्या है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल कैन बी मेंटेन विद 2001 पीवी like old plan, all crown directors and above, when your downlines maintain same level, you will get 1+3 depth LOB. So, पर ही मेंटेन करने पे आपको देखिए क्या क्या इनकम शुरू हो गई। आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है, पहला तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरा आपको परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है, ठीक है, तीसरा आपको मिल रहा है डायरेक्ट बिजनेस बिल्डिंग बोनस, चौथा आपको मिल रहा है ट्रैवल फंड, तो इतनी सारी इनकम आपको मिलनी शुरू हो जाती है दोस्तों। सिल्वर डायरेक्टर करते ही आपको साइड मेंटेन करना है अपना 1801 पीवी करके, और 2001 पीवी आपकी जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई है उनको करना होगा। साल में 2 बार विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, हमारे जो मेंटोर हैं दिवाकर देव मिश्रा जी, वो लगभग 13-14 साल के अंदर 24 से अधिक विदेश यात्राएं कर चुके हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 40 से अधिक कंट्रीज घूम चुके हैं, और मैं बताना चाहूंगा अभी 6 महीने पहले वेस्टीज से लगभग 1700-1800 लोग गए थे थाईलैंड और बैंकॉक की ट्रिप पे 16 फरवरी को, उसके 6 महीने पहले साउथ अफ्रीका, उसके 6 महीने पहले मलेशिया सिंगापुर, और मैं भी क्वालिफाई कर चुका हूँ दोस्तों। मुझे भी आप गुड लक कह सकते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार जनवरी फरवरी के टूर में मैं भी एशियन टूर जाऊंगा। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे दोस्तों कार फंड की बात करते हैं, आपकी टीम में जैसे ही आप 3 व्यक्तियों की मदद करते हैं आपका लेवल स्टार डायरेक्टर हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर
दिवाकर देव मिश्रा जी अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही हैप्पी दिख रहे हैं, और वाकई में हैप्पी क्यों ना हो, ऑडी Q3 ड्राइव कर रहे हैं पिछले 6 साल से, साथ ही साथ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। आज इनके लाइफ में सब कुछ है इनके पास जो ये चाहते हैं, जो जो इन्होंने ड्रीम लिया था आज से 13 साल पहले जब इस बिजनेस को चुनते समय। साथ ही साथ यहाँ JK गुप्ता सर हैं जो कि दिवाकर सर के मेंटोर हैं, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, इस बिजनेस के अंदर हाईएस्ट लेवल होता है। आप देख सकते हैं ऑडी Q3 वो भी ड्राइव कर रहे हैं। देन रमेश नारायण राय सर हैं जो कि आज इनको लगभग 12 साल हो चुका है, और बहुत ही गोरखपुर के पास बड़लगंज एक छोटी सी जगह को बिलोंग करते हैं, वहां पे कंपाउंडर की नौकरी करते थे, 3,000 रुपए की नौकरी से इन्होंने बिजनेस शुरू किया, और आज आप देख सकते हैं दोस्तों कमाल है, ये बिजनेस की पावर है। यहाँ पे साथ ही साथ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जॉब करते थे, 7,000 रुपए सैलरी थी आज से 10 साल पहले, वहां पे उन्होंने रिजाइन किया, वेस्टीज बिजनेस को चुना, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी दोस्तों, पार्ट टाइम करते करते 2 साल के अंदर यहाँ से 1,00,000 रुपए महीना कमाने लगे थे, और आज ऑडी A3 से ड्राइव कर रहे हैं। सोचने वाली बात है MP मौर्य सर, ये चारों लोग आज दिग्गज हैं और हमारी टीम हैप्पी वॉरियर के बहुत बड़े अचीवर हैं, वेस्टीज के अंदर बहुत बड़े अचीवर हैं, कारबुक में इनकी फोटोज हैं, आज पूरा इंडिया इनको जानता है, 9 देशों में लोग जानते हैं, ये वेस्टीज की पावर है दोस्तों। और आज वेस्टीज के अंदर 6,500 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी है, 250 से अधिक लग्जरी गाड़ियां आ चुकी हैं, जिसमें 4 ऑडी हमारी गाड़ियां हमारी टीम में है, और आने वाले 1 साल के अंदर कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 10 लग्जरी गाड़ियां और टीम हैप्पी वॉरियर के अंदर आने वाली है दोस्तों। ये कुछ फोटोज हैं जिसमें आप देख सकते हैं हमारी टीम हैप्पी वॉरियर में 250 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं, नॉर्मल गाड़ियां, होंडा सिटी, बलेनो, स्विफ्ट डिजायर काइंड ऑफ कार्स, उनकी फोटोज हैं। हाउस फंड, जब आप 6 लोगों की मदद करते हैं और उनको क्वालिफाई कराते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो आप बन जाते हैं क्राउन डायरेक्टर, और यहाँ से एक्चुअली आप पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं दोस्तों। अगर आप इन 6 लोगों से ज्यादा नहीं 56-25 पॉइंट कराएं, आपको 6 से LOB आएगा, आपका चेक आएगा कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया महीना, साथ ही साथ आपको हाउस फंड आएगा, 3% की हिस्सेदारी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे मैंने आपको बताया था। इसकी कैपिंग है दोस्तों 1,00,000 रुपया महीना, 1,00,000 रुपया महीना जिसके भी पास आएगा वो कहाँ पे मकान नहीं खरीदेगा, आप सोच सकते हैं कौन से पॉश इलाके में नहीं खरीद सकता। मुझे बताते हो बहुत खुशी होती है कि हमारे जो मेंटोर हैं दिवाकर सर, अभी उन्होंने रिसेंटली पिछले ही महीने लास्ट मंथ ही उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आलिशान घर खरीदा है, अपने ड्रीम हाउस खरीदा है गोमती नगर लखनऊ में कठौता झील के सामने, और उसके पहले उन्होंने 75,00,000 रुपए के आसपास एक फ्लैट खरीदा है अंसल में गोमती नगर शहीद पथ पे, और लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने अर्न करी है इसी वेस्टीज की ताकत से, इसी वेस्टीज हमारी वेस्टीज की पावर से। और ऐसे हजारों लोग आज वेस्टीज में बहुत सफल है, अपने लिए सपनों का घर बना रहे हैं, सपनों की गाड़ी खरीद रहे हैं, ये सब पावर कहाँ से आ रही है, वेस्टीज से। एलीट क्लब बोनस क्या है दोस्तों, आप अपने टीम में जैसे ही यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 6 लोगों की जगह 12 लोगों की मदद करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कराने में, आपका लेवल हो जाता है डबल क्राउन डायरेक्टर, और अगर आप 16 लोगों की मदद करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कराने में आपका लेवल हो जाता है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जैसे हमारे JK गुप्ता सर और दिवाकर सर हैं, तो आप एलीट क्लब की हिस्सेदारी पाते हैं। 2% ऑफ कंपनीज टर्नओवर ये इसमें दिया जाता है, जिसकी अधिकतम कैपिंग है 20,00,000 रुपए महीना केवल, सोच के देखिए। अब हमारी वेस्टीज आपके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लाती है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली आज वेस्टीज क्यों नंबर वन है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। CNT वेस्टीज आपके लिए लाता है, जिसमें आपको पूरा प्रोफाइल बताया जाता है कंपनी का, पूरा प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल बताया जाता है, मार्केट प्लान बताया जाता है, जैसे यहाँ पे VOP कर रहे हैं वेस्टीज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, और उसमें कंपनी के ट्रेनर आते हैं, वो पूरी डिटेल्ड आपको ट्रेनिंग देते हैं। वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम होता है VIP, उसमें भी आपको बताया जाता है कैसे इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं, क्या करके आपको इस बिजनेस में सफलता हासिल होगी, क्या करना है, कौन से 7 काम और कौन से 7 काम नहीं करना है, ये आपको सिखाया जाता है वेस्टीज के ट्रेनर्स द्वारा। वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव VLC, यहाँ पे आपको लीडरशिप आपको बताई जाती है, कैसे आप एक मजबूत लीडर, एक रॉक सॉलिड लीडर बनते हैं और आप इस बिजनेस में बहुत सफलता अर्जित कर सकते हैं। वेस्टीज का अवार्ड फंक्शन बहुत ही ह्यूज प्रोग्राम होता है, 20-30-40 हजार लोगों के सामने, और ये अवार्ड फंक्शन होते हैं अलग अलग शहरों में दोस्तों। इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है वेस्टीज जो पूरे महीने के अंदर 6-6, 7-7 वैफ कराती है वेस्टीज अवार्ड फंक्शन, बट अभी कोरोना काल में ये आजकल रुका हुआ है, बट बहुत जल्द वापस से होगा। मीट द मिलेनियर प्रोग्राम, ऐसे आपको बता दूं सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं मीट द मिलेनियर, जहां पे सक्सेसफुल अचीवर को बुलाया जाता है, और एक व्यक्ति जो 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं और अपनी ऑडी BMW मर्सिडीज से चल रहे हैं, वो आते हैं अपनी सक्सेस जर्नी बताते हैं। एश्योर की ट्रेनिंग, एश्योर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बारे में हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग बाय डेल करने के, सेलिंग लाइक ए प्रो, हेल्थ केयर वर्कशॉप, हेल्थ केयर के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस होकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, जिसमें आपको सप्लीमेंट्स, आयुषांते, इसके बारे में डिटेल नॉलेज दी जाती है। चैंपियंस डे मनाते हैं हम लोग, वी अप्रिशिएट अवर अचीवर्स, हम लोग हर महीने की 2 तारीख को
सेलिब्रेट करते थे अपने डीएलसीपीज पर, वेस्टीज के जो हमारे डीएलसीपीज हैं, स्टोर्स हैं, साथ ही साथ आज की डेट में हम वही सारी चीजें हम कर रहे हैं वेबिनार पे जूम मीटिंग के द्वारा। तो कहीं हम लोग नहीं रुके, हम लोग और मजबूत हो गए क्योंकि आज हम लोग डिजिटल हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं टीम हैप्पी वॉरियर्स, ऐसे ही प्रोग्राम लाती है गो क्राउन माइंडसेट के ऊपर। आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कैसे आप एक मजबूत माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करें और बहुत सफलता हासिल करें। सर्व सम्मान, जैसे वेस्टीज अवार्ड फंक्शन होता है वैसे ही आपको यहाँ पे आपके परिवार के साथ में सम्मानित किया जाता है हजारों लोगों के सामने। कमाल का ये प्रोग्राम होता है और ये वेस्टीज में हमारी टीम हैप्पी वॉरियर आपके लिए करती है। स्टार मीट, हैप्पी वॉरियर्स डायरेक्टर्स मीट, LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेस सेमिनार, बूट कैंप, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज, हैप होप, वेस्टीज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ये कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पिक्स और कलेक्शन ऑफ पिक्स दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं एक कोलाज दिया हुआ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव कलेक्टेड डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ अवर इवेंट्स विच वी यूज टू ऑर्गेनाइज बिफोर COVID-19 पैंडेमिक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जबरदस्त गुरु और मेंटर दिवाकर देव मिश्रा सर को, साथ ही साथ यहाँ पे जो एक खूबसूरत चेहरा आप देख रहे हैं इनसे आपकी मुलाकात होने जा रहा है। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़े रीजन है जिनकी वजह से मैं वेस्टीज के अंदर आया। एक ये मैं इनको बोलता हूँ, एक जैसे 9 आश्चर्य हैं पृथ्वी पर, वैसे ये भी एक आश्चर्य हैं जीते जागते, और अभी आप इनसे मिलेंगे, दिस ग्रेट सैयद इरशाद सर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी बताया 3 एप्लीकेशन, वेस्टीज, वेस्टीज POS, POS एंड वेस्टीज बेस्ट डील। सो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ और मैं चाहूंगा क्विकली अपने होस्ट को इनवाइट करना। एंड आप सबको अगर पसंद आया हो मेरा प्रेजेंटेशन तो आप लोग एप्रिशिएशन कर सकते हैं, बिकॉज एप्रिशिएशन हमेशा ताकत बढ़ाता है दोस्तों, हिम्मत बढ़ाता है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप रिएक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मैसेज के द्वारा प्रतिक्रिया दे सकते हैं, यह हमेशा हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है और एनर्जी बढ़ाता है, एक्साइटमेंट बढ़ाता है। तो ओवर टू अलका मैम। थैंक यू विवेक सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और आप सब विवेक सर के लिए रिएक्शन दे सकते हैं चैट बॉक्स में। और अब अपने चीफ गेस्ट सर सैयद इरशाद सर को इनवाइट करना चाहूंगी, जिनका हम बेसब्री से वेट कर रहे थे, और अब हम उनकी स्टोरी को सुनना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस वेस्टीज बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हैं और उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ में इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए इस लेवल पे पहुंचे हैं। सर, कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ओवर टू यू सर। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जी सर, बहुत अच्छे हम सब। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते हैं, और सबसे पहले तो मैं विवेक सिंह को जो है ढेरों बधाइयां दूंगा, और मैं तो इनका फैन हूं। बहुत शानदार VOP करने के लिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखने के लिए, और हमें नाज है इस बात पे कि मिस्टर विवेक सिंह टीम हैप्पी वॉरियर्स का हिस्सा हैं और VOP इतनी शानदार तरीके से करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी नए प्रोस्पेक्ट को बैठा दिया जाए VOP में तो निश्चित रूप से वो बिजनेस में कन्वर्ट होगा। थैंक यू सो मच इरशाद सर, आई लव यू सर, आई एम ह्यूज फैन ऑफ यू सर, सेम टू यू सर। और निश्चित रूप से मैं आप सब से एक मैसेज जरूर कहना चाहूँगा कि VOP का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, क्योंकि ये बिजनेस जो है, आप एक बात समझ लीजिए कि ये बिजनेस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए है, आगे करने के लिए है, ये सारी चीज़ें। और इसका सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है हमारी CNT, हमारी VOP। और आप जितने ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को यहाँ लेकर के आएंगे आप इसका लाभ लेंगे। चलिए मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पिछले तकरीबन 9 सालों से मैं इस बिजनेस का हिस्सा हूँ और सिस्टम में क्राउन डायरेक्टर हूँ, हाउस फंड अचीवर हूँ। मैं खुद तो गाड़ी चला नहीं सकता, लेकिन कार फंड की बदौलत दो गाड़ियाँ हैं मेरे पास। बात करें तो ट्रेवल फंड की बदौलत मैंने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, स्टार कैरेबियन क्रूज जैसी जगहों को घूमा है, स्टार क्रूज पे जिंदगी गुजारी है, और समुद्र के बीच में रहने का मैंने लुत्फ लिया है।
सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज ट्रैवल फंड की बदौलत। वरना आप ये सोच सकते हैं कि एक इंसान जिसको खुद अकेले वो चल नहीं सकता है, एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में दूसरों के सहारे से चलता हो, वो क्या आपको लगता है कि वो कार अफोर्ड कर सकता है, वो ट्रैवल फंड की जो है वो सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों को में जा कर के अपनी छुट्टियों का एंजॉय कर सकता है, वो स्टार क्रूज पे जा कर के वक्त गुजार सकता है और उसको फील कर सकता है। ये सब इतना आसान नहीं है। ये सब हो सका तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द वेस्टीज प्लेटफॉर्म, ड्यू टू द टीम हैप्पी वॉरियर्स और ड्यू टू द मेंटर्स ऑफ हैप्पी वॉरियर्स, मिस्टर दिवाकर देव मिश्रा, मिस्टर रमेश नारायण राय और मिस्टर जे के गुप्ता, जिनकी उंगलियां पकड़ करके मैंने चलना सीखा, मैंने इस बिजनेस को सीखा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग करना और फिर उनको जा कर के प्लान शो करना और फिर उनको इस बिजनेस का हिस्सा बनाना और उनको ये विश्वास दिलाना कि भाई मैं खुद तो देख नहीं सकता लेकिन आप और हम मिल करके एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं शुरू शुरू जाता था लोगों के पास तो लोग कहते थे मुझसे कि खुद तो दिखाई देता नहीं था, दिखाई तो देता नहीं आपको, तो आप क्या किसी को प्लान दिखाएंगे और आप क्या किसी को रास्ता बताएंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम में इतना पावर है कि मैंने सिर्फ एक काम किया, एक बात समझी। मुझे पहले दिन से एक बात समझ में आ गई थी कि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ लोगों को जोड़ने का नहीं है। तो फिर सवाल उठता है ये बिजनेस है क्या। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस है लीडरशिप का, ये बिजनेस है इवेंट प्रमोशन का। आप जितना ज्यादा इवेंट प्रमोट करेंगे, आप जितना ज्यादा इवेंट को बेचेंगे, आप बिलीव कीजिए आप उतना ज्यादा तरक्की करेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पहली बार में ये बात समझ में आ गई थी कि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि हाँ मैं इस काम को करके अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। यहाँ पे एक बात आपको समझने की ज़रूरत है, अभी हमारे विवेक भाई ने इतने शानदार तरीके से प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया है, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी और आपकी नीड हैं, हमारी और आपकी ज़रूरत है। इन प्रोडक्ट्स को हम और आप आज के पहले ही कहीं से इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि नहाना हम रोक नहीं सकते, ब्रश करना हम बंद नहीं कर सकते, चाय पीनी हम रोक नहीं सकते। और यही वजह है माय डियर फ्रेंड्स कि इस एपिडेमिक कंडीशन में भी, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी, इस कोविड 19 की जो सिचुएशन है इसमें भी हमारा बिजनेस बंद नहीं हुआ, हमारा बिजनेस चल रहा है। और आज जब लाखों लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, तब ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल में जिस सोच के साथ मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, एक्चुअल में मुझे वो चीज़ मैंने पाया कि हाँ ये बुरे दिन के लिए एक अच्छा साथी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब ने फोर व्हीलर देखी होगी, हम सब ने टू व्हीलर देखी होगी, बट एक बात ज़रा समझ के देखिए, अगर हमारे और आपके फोर व्हीलर में स्टेपनी ना हो तो क्या हम बहुत सेफ फील करते हैं अपने आप को? आप पाएंगे कि नहीं, हमारे मन में हमेशा एक दगदग रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में भी आप चाहे जितने भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप चाहे जितने सफल हो, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो या आप दुकानदार हो, लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए स्टेपनी ही सही अपनी जिंदगी में एज ए पार्ट टाइम अपनाना चाहिए। क्योंकि पैसिव इनकम जनरेट करने का हम जैसे आप जैसे मध्यम वर्गीय इंसान की जिंदगी के लिए इससे शानदार कोई रास्ता नहीं हो सकता। और इस शानदार रास्ते में भी वेस्टीज जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। वेस्टीज जैसी जिंदगी, वेस्टीज जैसा सोच, वेस्टीज जैसी कल्चर और वेस्टीज जैसा एटमॉस्फियर अभी तक मेरे सामने से नहीं गुजरा है।
इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज के इस वीओपी पे द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन पे आप विश्वास कीजिए, अगर ये मेरी जिंदगी बदल सकता है और तो निश्चित रूप से ये आप सबकी जिंदगी को भी बदल सकता है। मैंने सिर्फ किया क्या, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया और खूब जम करके जब कंसिस्टेंसी आई तो प्रोडक्ट्सों में यूज करना ही था। मैं पहले दिन से कंसिस्टेंसी को फॉलो करने लगा। मुझे याद है कि जून 2016 में पहली बार वेस्टीज ने कंसिस्टेंसी को अलाउड किया था और आपको जान के ताज्जुब होगा और खुशी भी होगी कि जिस पहले दिन जब वेस्टीज ने कंसिस्टेंसी लागू किया तब से लेके आज तक सिंगल वन मंथ भी मेरी कंसिस्टेंसी ड्रॉप नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जरा सोच के देखिए कितना गोल्डन चांस है हमारी और आपकी जिंदगी के लिए। अगर हम और आप कंसिस्टेंसी को खुद यूज करें, कंसिस्टेंसी पे बने रहें और इसी कंसिस्टेंसी को लोगों को प्रमोट करें तो निश्चित रूप से हमारी और आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप जरा सोच के देखिए कितना पावरफुल ये टूल्स है हमारी और आपकी जिंदगी में। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो आज के डेट में ये इतना शानदार है कि अगर आप एक साथ भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते तब भी आप कंसिस्टेंसी के हकदार हो जाते हैं। और इस लॉकडाउन एपिडेमिक कंडीशन में तो कंपनी ने आपको कितना सपोर्ट किया है कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी 2-12 तारीख के बीच में होती थी, लेकिन जब से ये कोरोना फैला और जो है हमारे मैनेजमेंट ने इस बात को समझी कि लोगों की सिचुएशन, मार्केट के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और लगा जगह लॉकडाउन है, तमाम सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, तमाम आपकी परेशानियों का को ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने आपके लिए एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे एक बेहतरीन ऑफर दिया और 25% जो एसेंशियल हमारे प्रोडक्ट थे जिसके बगैर हमारा और आपका काम नहीं चल सकता, साबुन, तेल, चाय, शैम्पू, हेयर ऑयल, उसको कंपनी ने आपके लिए 25% का गोल्डन जो है ऑफर दिया कि आप 25%, चूंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की कंडीशन बिगड़ी है और उनकी आमदनी खराब हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट्स पे अपने ग्राहकों को, अपने कंज्यूमर्स को, अपने यूजर्स को 25% का सीधा सीधा डिबेट दिया, सीधा सीधा रिबेट देने की वजह से आप जरा सोचिए उनके लिए कम पैसे में भी उनकी जरूरतें पूरी होने लगी। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी डेट को भी कंपनी ने जो है ब्रॉड कर दिया, इंस्टेंट कर दिया और आपकी सहूलत के हिसाब से आपको जो है लाभ पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना शानदार आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान दिया ताकि इस एपिडेमिक कंडीशन में आप सब अपनी आमदनियों को बढ़ा सकें। और इसी बीच टीम हैप्पी वॉरियर्स और हमारे मेंटर्स दिवाकर देव मिश्रा जी, रमेश नारायण राय, ये सारे लोगों ने मिलकर के टीम हैप्पी वॉरियर्स के अंदर खूब जम के मीटिंग्स और सेमिनार्स कराए, वेबिनार कराया जूम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक लाइव पे, और उसको करके हमारी और आपकी जिंदगी में बेहतरी आई। हम सब इस एपिडेमिक कंडीशन में भी, आप सब जान रहे हैं, आज पूरी दुनिया को सुन रहे हैं कि एपिडेमिक कंडीशन के बावजूद पूरी दुनिया में मनोरोग बढ़ रहा है, यानी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही है क्योंकि लोग घर में बंद 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 बीमार हो रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज ने और टीम हैप्पी वॉरियर्स ने मिलकर के आपको घर पे बैठे बैठे बहुत सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल कराएं। आप टीम हैप्पी वॉरियर्स को देखिए जिसने इस लॉकडाउन के दौरान आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, आपके लिए लीडरशिप लैडर ऑफ दी लीडरशिप का कोर्स कराया, आपके लिए जो है एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज का कोर्स कराया, और ये सारी चीजें आप लेकर के वीओपीज हफ्ते में 2 बार हो रही हैं, आपको नए नए जो है सक्सेस वेबिनार हो रहे हैं, नए नए अचीवर्स से हमेशा मिलने का अवसर मिल रहा है, तो इन सब के लिए आपको थैंक्स करना चाहिए टीम हैप्पी वॉरियर का, ताकि आप अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को का हिस्सा बन करके आप अपनी जिंदगी को कामयाब कर पाए।
माय डियर फ्रेंड्स, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है और ये सब कुछ है, सिर्फ ज़रूरत है विश्वास की, सिर्फ ज़रूरत है आपको यकीन करने की, आपको इस पे भरोसा करने की। और निश्चित रूप से हम सब आज के पहले भी कहीं ना कहीं से सामान इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी हम लोग कहीं ना कहीं से सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। सिर्फ अपने खरीदने का तरीका बदल करके, सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदल करके, सिर्फ अपनी कुछ आदतों में बदलाव करके हम और आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकें। माय डियर फ्रेंड्स, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप खुद कंसिस्टेंसी पे रहें और अपनी टीम को कंसिस्टेंसी प्रमोट करें। अभी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑपरेशन हेड सेल्स मिस्टर सूद ने इतना शानदार एक बात बताई कि जिस दिन शुरुआत हो, आप जरा सोच के देखिए, हम सब कंसिस्टेंसी तो कर ही रहे हैं, क्यों ना हम अपनी कंसिस्टेंसी और अपने टीम के 20 लोगों की जिम्मेदारी हम ले लें और उस कंसिस्टेंसी को हम महीने के पहले दिन ही कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, जरा सोच के देखिए, अगर पहले दिन आपका मिनिमम लेवल क्वालिफाई होगा तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, आप अपने बिजनेस को एक्सक्लेरेट करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और आप अपनी चेक को बड़ा कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको वेस्टीज और टीम हैप्पी वॉरियर्स विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स दे रही है। आज अगर मैं ब्लाइंड होकर के ये सारी कुछ हासिल कर पाया हूँ तो उसकी सिर्फ वजह यह है कि टीम हैप्पी वॉरियर्स द्वारा ऑर्गेनाइज बहुत सारी ट्रेनिंग्स, गो क्राउन, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज, LDP और इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग्स को मैंने अटेंड किया है, बूट कैंप को अटेंड किया है। आज इस एपिडेमिक कंडीशन में बूट कैंप, गो क्राउन संभव तो नहीं है, लेकिन आज सक्सेस वेबिनार संभव है। आज सक्सेस सेमिनार की जगह हम सक्सेस वेबिनार कर रहे हैं, हम VOPs ऑनलाइन कर रहे हैं, हम जो है LDPs कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज कर रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे ट्रेनिंग्स को कर रहे हैं। आज हम प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हम बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आज टीम हैप्पी वॉरियर्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करा रहा है। तो अगर आप सब दिल से इन तमाम प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित रूप से बात जानिए कि आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और अगर आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जो काम आप अभी तक करते आए हैं, अगर आगे भी आप उसी को करेंगे तो आपको आज वही मिलेगा जो पीछे मिलता आया था, आगे भी वही मिलेगा जो पीछे मिलता आया था। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ नया चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे। यानी नहाना तो है ही है, लेकिन हमको नहाने के लिए जिन सामानों का इस्तेमाल करना है उसके खरीदने का तरीका बदलना है, अपनी आदत को बदलना है। हम चाय तो पीते ही थे, तो चाय की पत्ती कहीं ना कहीं से खरीद के लाते ही थे। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब अपने घर में ग्रोसरी यूज करते ही थे, करते ही हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो हम सिर्फ इनके खरीदने का तरीका बदलें, बेस्ट डील से ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए इन प्रोडक्ट्स को मंगाएं और इनको इनकी भी कंसिस्टेंसी पे आए, निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और अगर आपकी जिंदगी में बदलाव आया तो निश्चित रूप से यह विश्वास कीजिए कि आपके परिवार में खुशहाली आएगी। मैं आप सबको बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा हो चुका है तो मैं आपका और समय नहीं लेना चाहूंगा। अगर किसी के मन में कोई सवाल है मुझसे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। मैं सबको थैंक्स कहना चाहूंगा और टीम हैप्पी वॉरियर्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिसने मुझे ये अवसर दिया और मैं आपके सामने मेरी अपनी बातों को रखने का मुझे ये जो शानदार अवसर मिला, मैं इसके लिए आभारी हूँ अपनी मेंटोर्स का, टीम हैप्पी वॉरियर्स का, विवेक भाई का और रंजित राजन सर का। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बात को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। आप सब ने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझको सुना, इसके लिए मैं आप सबका भी आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू वेल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शार सर, आपने अपने टाइम निकाल के लिए हम सब के लिए अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर किया
और आप बहुत इंस्पिरेशन है हमारी हैप्पी वॉरियर्स टीम के लिए। अगर आप कर सकते हैं इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। थैंक यू विवेक सर, आपने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और इस वीओपी को सक्सेस बनाया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीओपी में लास्ट तक बने रहे। आपने सर सैयद सर को बहुत अच्छे से सुना कि किस तरह से उन्होंने इस वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इतने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके ग्राउंड लेवल तक पहुंचे हैं। थैंक यू आप सबका।